वो आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी का जन्मदिन है, जन्मदिवस है, और वो भी बहुत पवित्र दिन, जिस दिन निर्जला एकादशी है। तो कितना सुखद संयोग है कि निर्जला एकादशी और महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त का एक दिन में ही पूर्ण समन्वय दो दृष्टियों का हो रहा है, एक तरफ वैष्णव दृष्टि और एक तरफ शैव दृष्टि। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की और पुण्य की कोई बात हो नहीं सकती, इससे अधिक कि आज हम एक ऐसे विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए उपस्थित हुए हैं अपने विद्वान वक्ताओं के द्वारा, कि जिनके विषय में अभी तक बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं, और अगर वो जानकारियां उपलब्ध भी हैं तो वो बहुत विशेषज्ञ विद्वानों के पास ही उपलब्ध रह गई हैं। तो उन्हें सामान्य जन तक पहुंचाना और उन्हें बाकी लोगों के साथ साझा करना, तो उसके लिए ये प्रयास है। और इस प्रयास के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा श्री सुनील रैना राजानक जी का, जो नाद जर्नल के एडिटर हैं। ये उनकी ही प्रेरणा है, उनका ही सारे का सारा उनका ये योगदान है, उनका ही ये सामर्थ्य है कि ये वेबिनार आज हम आयोजित कर पाए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, ताकि हमारे विद्वान वक्ताओं को हमें अधिक से अधिक सुनने का वक्त मिले, उनकी हम दृष्टि से हम अभिनव गुप्त को समझने का प्रयास करें, तो मैं सीधे विषय की ओर आता हूँ। आओ ना। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को आचार्य अभिनव गुप्त जिस तरह से उद्बोधित कर रहे हैं, उस उद्बोधन को एक बार जरूर हम लोग समझ लें, तो आगे की बातचीत समझने में हमें काफी सुविधा हो जाएगी। पाषाणान प्रतिवक्तु कह शृणुति भूयुष्मान भ्रुवे जंगमाः शय्योत्थायम् अनर्थ अर्थ सरणे कोयम् वृथैवोद्यमः संविधामनि शाम्भवे विशत वेत्तालीयमेकं लवं किं किं वर्णनिकाभिराभि अभी अभिरभितः सत्यं स्वयं ज्ञास्यत्। बहुत सरल सा अर्थ है, अभिनव गुप्त स्वयं हमें, मेरा ख्याल है कि उद्बोधित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सटीक आज के लिए ये श्लोक और कोई नहीं हो सकता कि पत्थरों के प्रति कौन कहने का साहस करता है, हे जीवित लोगों, मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। आप इसको नीचे पढ़ भी सकते हैं, मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, तुम शैया से उठकर अनर्थ रूपी अर्थ के पीछे दौड़ने का क्यों व्यर्थ उद्यम कर रहे हो? यदि शाम्भव संवित रूप धाम में एक क्षण के लिए भी प्रवेश कर लोगे तो सत्य को स्वयं जान लोगे, और हमारी इन शास्त्रों को वर्णिकाओं का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। कितना सुंदर और सुखद उद्बोधन है कि वो प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वो हमें प्रेरित भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सभी मनुष्यों के लिए आज के युग में इससे बढ़िया उद्बोधन और कोई नहीं हो सकता, और ये उद्बोधन मुझे लगता है कि उनकी भाषा के नितांत अनुकूल है। इससे पूर्व कि मैं आगे की बात आप लोगों के साथ साझी करूं, उससे पूर्व आप लोगों को आज के कार्यक्रम से परिचित करवा दूं। प्रेजिडेंशियल एड्रेस सबसे अंत में रहेगा, वो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी, जो कालिदास चेयर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका इस सारे के ऊपर बहुत विशेष अध्ययन रहा है कश्मीर शैविज्म के ऊपर। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट रिसोर्स पर्सन है प्रोफेसर डॉक्टर दीना अग्रवाल जी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। तंत्रालोक कश्मीर शैविज्म इनका विशेष अध्ययन का केंद्र रहा है, और अपने अध्यापन काल में इन्होंने बहुत पीएचडी किसी के ऊपर करवाई भी हैं, और खुद आगे इसके ऊपर एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर भूपेंद्र अंबरदार, सीनियर प्रोड्यूसर प्रसार भारती में रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट एवं रिसर्चर
रहे हैं, उनकी भी हमें आज बातें सुनने को मिलेंगे, उनके जो अनुभव हैं उनको हमारे साथ शेयर करेंगे आज। और तीसरे हमारे जो विद्वान वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन के वो निष्णात विद्वान हैं, वैसे तो वो सभी विद्याओं में निष्णात हैं लेकिन दर्शन में उनकी विशेष रुचि है और काश्मीर दर्शन और तंत्र के ऊपर उनका अधिकार विशेष रूप से है। और अंत में जो है वोट ऑफ थैंक्स में है श्री सुनील रैना राजानक, जो एडिटर हैं एकेआईएस नाथ के, वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस छोटे से संक्षिप्त कार्यक्रम में लगभग 15-15 मिनट, 15 से 20 मिनट जो है हमारे वक्ताओं के पास रहेंगे, और जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वो लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में रहेगा, और लास्ट में जो है हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। समय सीमा का हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके बाद 12:30 के आसपास फिर एक और कार्यक्रम भी है जिसमें कई लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था आचार्य अभिनव गुप्त, जिनकी भाषा साहित्य से आज हम परिचित होने जा रहे हैं। तो इतना हम सभी को पता होना चाहिए कि आचार्य अभिनव गुप्त की जो शब्दावली है, अगर हम इनको पकड़ लें तो ये हमारे लिए वो खूंटियां साबित होंगी जहां पर हम विचार का, ज्ञान का तंतु बांधेंगे, जिससे हम सारा ताना बाना काश्मीर शैवीज्म का बांधेंगे। तो इस दो चार शब्द मैं आपसे परिचित करवा रहा हूँ, बाकी सारे शब्दों से आप परिचित हैं, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसमें उल्लास शब्द, प्रकाश और विमर्श, भैरव, आभास, स्वातंत्र, पति, पशुपाश, मंत्र, उपाय, चतुष्टय, इस तरह की शब्दावली से जो है आप आचार्य अभिनव गुप्त की भाषा, भाव, विचार और व्यवहार को समझ सकते हैं, उनको उनके समीप जाकर के उनके ज्ञान को हम संग्रहित करने में समर्थ हो सकते हैं। डिकोडिंग आचार्य अभिनव गुप्त बाय जयरथ, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभिनव गुप्त जो है उनके विषय में स्वयं जयरथ जो है वो तीन उनके अर्थ करते हैं। एक तो ये कि बीइंग एवर विजिलेंट, सदा जागरूक जो है वो आचार्य अभिनव गुप्त का ये एक प्रथम अर्थ है। हालांकि अभिनव गुप्त का हम अभिनवता, नवीनता के अर्थ में करते हैं लेकिन जयरथ ने जो हमारे साथ उनका अर्थ शेयर किया है वो बीइंग एवर विजिलेंट, और दूसरा अर्थ जो उन्होंने किया है वो भी बड़ा सुंदर अर्थ है, वो है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अभिनवता सब जगह विद्यमान है, क्योंकि शिव सब जगह विद्यमान है तो उनकी उपस्थिति भी सब जगह है। और तीसरा है प्रोटेक्टेड बाय द प्रेजिस, जो मंत्रों से, जो स्तोत्रों से, सब जगह से प्रोटेक्टेड है, ऐसे अभिनव गुप्त के शब्द की उन्होंने तीन व्याख्याएं हमारे साथ दी। इसके साथ साथ जो रेनर नॉली हैं उन्होंने अभिनव गुप्त का अर्थ तो वही न्यू किया है लेकिन उसका रेफरेंस जो है एवर न्यू क्रिएटिव फोर्स ऑफ हिज मिस्टिकल एक्सपीरियंस, इस अर्थ में उन्होंने किया है। इसके साथ साथ अभिनव गुप्त के विषय में जयरथ 6 क्वालिटीज गिनाते हैं, 6 गुण बताते हैं, और उसके बाद मैं प्रथम वक्ता को मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी को, कि वो हमारे साथ विचार शेयर करेंगे कि 6 उन्होंने कौन सी क्वालिटीज बताई हैं जिसके कारण अभिनव गुप्त को उनका जो अभिनव गुप्तता है, अभिनवता है, उसको किस तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं, उसके 6 दृष्टिकोण कह लीजिए, 6 गुण कह लीजिए, एन अनफ्लिंचिंग फेथ इन शिव गॉड जो भी आप कहें, रियलाइजेशन ऑफ मंत्रास, तीसरा है कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी आप 36 तत्व कहते हैं, चौथा है सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन, पांचवा है पोइटिक क्रिएटिविटी, और छठा है स्पॉन्टेनियस नॉलेज ऑफ ऑल डिसिप्लिन। ये अभिनव गुप्त का सार है, फॉर्म और एसेंस, इसके आधार पर मुझे लगता है हमें अभिनव गुप्त को समझना होगा, उनको अप्रोच करना होगा और उनके सामने खड़े होकर के हम उनसे ज्ञान की प्राप्ति इन 6 बिंदुओं पर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आज के प्रथम वक्ता प्रोफेसर
प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ, हम सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, अशोक जी, एक मिनट में चेक करना चाहता था, उपेंद्र जी ज्वाइन कर चुके हैं क्या? डॉक्टर उपेंद्र जी, सर आप देख लीजिए, मेरा ख्याल ओके से ओके, ज्वाइन कर लिया होगा, विल सी टू इट लेटर ऑन। ठीक है ठीक है, प्लीज। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है मैडम, थोड़ा सा लाउड रहिएगा ताकि क्लियर रहे, कई जगह पर वो सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होते, तो थोड़ा सा वॉल्यूम लाउड रखिएगा। भवद् भक्तस्य संजात भवद् रूपस्य मे अधुना त्वम् आत्मरूपं संप्रेक्ष्य तुभ्यं मह्यं नमो नमः। अभिनव गुप्त का परिचय आपने बहुत अच्छे से दे ही दिया है, और अभिनव हैं वो, साथ ही गुप्त भी हैं। गुप्त गुह्य विषयों का भी जितना अच्छा इन्होंने व्याख्यान किया है, गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए, वह भी बहुत बड़ी बात है। और जब वे ये कहते हैं परम तत्व के लिए, वो ये कहते हैं कि मैं आपका भक्त बन गया हूँ और आपका ही रूप मैंने धारण कर लिया है, मतलब भक्ति का जो इनका क्षेत्र है उसमें खास तौर पे ये अलग अलग नहीं मानते। आत्म तत्व ही शिव तत्व, जो सर्वम शिवमयम जगत है और मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। तो त्वम आत्म रूपम संप्रेक्ष्य, मैं आपको और अपने आप को एकीकार मानता हूँ, और तुभ्यम मह्यम नमो नमः। ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम अपने आप को उससे अभिन्न समझें, और नमस्करणीय केवल वही नहीं है, हम भी नमस्करणीय हैं। हम अपने आप को उससे अभिन्न समझ के, उसकी क्षमताओं से अपने आप को अभिन्न समझें, और यही प्रत्यभिज्ञा भी है। प्रत्यभिज्ञा यही है कि हम अपने आप को, अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को जान पाएं। और उसके लिए जो पूरा दर्शन दर्शन समझाने की मुझे यहाँ आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि जितने श्रोता हैं वे सभी इस दर्शन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, और जो आपने भूमिका दी है उसमें अधिकारी की बात आपने कही, वो भी बहुत सुंदर शब्दों में। जब ये कहते हैं तंत्रालोक में कहते हैं, केतकी कुसुम सौरभे भृशम भृंग एव रसिको न च मक्षिका भैरवीय परमाद्वयार्चने कोपि रज्जति महेश चोदितः। तो शक्तिपात की अवधारणा यहाँ है ही। शक्तिपात जिस पर हो जाए वही उस भैरवीय परम अद्वय के अर्चन में, ये जो परम अद्वैत है, तेरा ईश्वर का और मेरा, परमेश्वर का और मेरा, इसकी अर्चना में, इसकी पूजा में, इसकी भक्ति में मैं तभी प्रवृत्त हो सकती हूँ तब, जबकि मुझ पर शक्तिपात हो जाए, मुझे उनकी प्रेरणा मिले, और अन्यथा मेरे लिए शायद यह संभव नहीं होता। अभिनव गुप्त के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे तंत्र के और दर्शन के, साहित्य के, सौंदर्य शास्त्र के, सब पर इनकी लेखनी अनवरत चली है, प्रभावशाली चली है, और बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से इन्होंने विवरण दिया है। सबसे बड़ी बात एक और जो मुझे ध्यान में आई कि ये बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, प्रमुख दार्शनिक हैं, और प्रत्यभिज्ञा, प्रम, कुल और प्रत्यभिज्ञा तीनों शाखाओं का जितना अच्छा वर्णन अन्य ग्रंथों में और तंत्रालोक में, और इनके टीका ग्रंथ जो हैं ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी, विवृत्ति विमर्शनी और मानिली, विजय वार्तिक आदि, इन सब में इन्होंने टीका का नाम अवश्य है लेकिन मौलिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है। तो इनके ज्ञान के विषय में तो नेचुरली हम लोग सब चर्चा कर ही हैं, सहस्राब्दी हो गई और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है, इसीलिए ये अभिनव है तक नव नवीन बनते जा रहे हैं। और इनके गुरु भट्ट तौज का भी कहना है, प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता। तो प्रतिभा इनका एक पारिभाषिक शब्द भी है, प्रतिभा अपने आप में बहुत आवश्यक है, और दूसरा पारिभाषिक शब्द इनका स्वातंत्र है। तो स्वातंत्र और प्रतिभा और पूर्णता, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो सार्वकालिक है, सभी कालों में इनका महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। आज के जमाने में हम देखें तो स्वातंत्र्य बहुत जरूरी है, हम जिसे आत्मनिर्भर शब्द से हम कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट होना,
इंडिपेंडेंट का मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते जाएं और जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम अपने सीमित साधनों में कर सकें, तो अपने आप ही प्रत्यभिज्ञा भी होगा। और आनंद एक और पर्याय है चैतन्य का, आनंद जो इसका पर्याय है वह भी तभी हमें प्राप्त हो सकता है। और ये कलाकार के लिए भी बोलते हैं, नव नवोन्मेष शालिनी की बात शालिनी सिवाय प्लीज कंटिन्यू मैम। बिना किसी उपादान के निरुपादान संभारम वित्तवेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघाय शूलिने, बिना किसी आदान के संपूर्ण विश्व की वह रचना कर देता है। तो ऐसा जो शिव है, ऐसा कलाकारों के लिए भी यही विशेषता है, कलाकार जब कला रचना करते हैं तो वह कहीं उस स्वातंत्र्य उस आनंद का उपभोग कर सकते हैं। और ऐसा ही इन्होंने उसके लिए भी कहा है, जब साधारणीकरण रस की जब ये बात करते हैं तो उसमें भी यही बात है कि वह जो अनुभव है वह ब्रह्मानंद सहोदर कहा ही गया है। और इस तरह के जो अनुभूति की बात है, हम परम तत्व का अनुभव हमारे जीवन में कैसे कर सकते हैं, या उस परम तत्व से संबंधित जो आनंद है उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यही बात अधिक आती है कि हम अपने आप को अधिक से अधिक कलाओं से जोड़ सकते हैं। और ये जो स्वतंत्रता का भी जो इन्होंने बताया है, स्वतंत्र चेति प्रकाशन क्रिया कर्तृत्वम तस्य च यत्त्वम यत् स्वभिक्तव्येव स्वेच्छया सर्वं प्रकाशयति, इसकी क्षमता हमारी क्षमता सीमित हो जाती है कि हम हमें साधन चाहिए चित्रकार को, जैसे ईश्वर शिव ऐसा चित्रकार है जो बिना किसी साधन के कर सकते हैं, लेकिन हमें साधन चाहिए। लेकिन जिन साधनों से भी हम आत्मा भी व्यक्ति कर पाते हैं, कला तत्व के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं अभिनव गुप्त, पर कला की भी बात करते हैं तो वे ये बात करते हैं कि अपनी इच्छा से जितना हम प्रकाशन कर सकते हैं उतना ही हमारी प्रतिभा और प्रज्ञा उन्मिषित होती है इस तरह से। और इन्होंने स्वयं बहुत सुंदर चित्रण, दार्शनिक ग्रंथ है तंत्रालोक, लेकिन उसमें इन्होंने मालोपमा से वत्सलिका का चित्रण किया है। मूर्ता क्षमाएव करुणेव गृहीत देहाधारेव विग्रहवती शुभशीलताया वैराग्य सार परिपाक दशेव पूर्णा तत्वार्थ रत्न रुचिर स्थिति रोहणोरुभि, मतलब क्षमा की तरह मूर्त क्षमा थी वह। और जैसे करुणा ने देह धारण कर लिया हो, वह धारा ही शरीर धारण की हुई शुभशील चरित्र वाली वह जो थी वैराग्य विचार वाली, उस वत्सलिका के घर में रहकर इन्होंने तंत्रालोक की रचना की थी। और इसी तरह से बहुत सुंदर इनका उदाहरण है 63 तत्व संदोह में, शिव का जो स्वरूप संकोच होता है माया के कारण, ये उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, शिव जो परम तत्व स्वतंत्र है वे माया से अपने आप को किंचित कुछ ही जानने वाले कुछ ही करने वाले देश काल से सीमित के रूप में प्रकट करते हैं। तो माया के द्वारा शिव के संकोच को बताते हुए वे कहते हैं, सतया परिमित मूर्ति संकुचित समस्त शक्ति रेश पुमान रविरिव संध्या रक्तः संहित शक्ति स्वभासने अप्यपटु, जिस तरह सूर्य सायकालीन सूर्य जिसकी अपनी क्षमताएं किरणें कम हो चुकी हैं, उसके लिए इन्होंने उपमा दी है कि वह संध्या में आ सकता है और उसके कारण उसकी क्षमता कम हो गई है तो वह अपना प्रकाशन भी नहीं कर पाता। उसी तरह से शिव जो है वह माया के कारण संकुचित होते हुए अपने आप को शिव एव गृहीत पशुभाव के रूप में प्रकट करते हैं। और इसी तरह से एक और बात इन्होंने कही है, सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है आज के युग में। मैं आज के युग के संदर्भ में ही बात कर रही हूँ क्योंकि दर्शन तो सभी जानते हैं इनका, तो सकारात्मक सोच नहीं होगी तो परेशानी होगी। जैसे कि यथा ही दुष्ट कर्मास्मीति एवं भावयतस्तथा तथा शिवो अहम नान्योस्मीति एवं भावयतस्तथा,
इंसान का ये बात साइकोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है ये कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है, वैसे हमारा आचरण होता है और उनके अनुसार हमारा चरित्र बनता है और फिर हम वैसा ही कार्य करते हैं, वैसी ही प्रसिद्धि होती है। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार दुष्ट व्यक्तियों के संपर्क में रहे और सोचे कि मैं दुष्ट करने वाला हूँ या मतलब इस तरह का वातावरण और कार्य हो, तो वह वैसा बनने लगता है धीरे धीरे। तो फिर अगर हम शिवो अहम सोचेंगे, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से हम शिव रूपता का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। और इसी के लिए वह उदाहरण देते हैं, जैसे थोड़ी सी वायु है, उस वायु को पंखा चलाकर या आंधी जब आती है पेड़ों के हिलने से वह और भी बढ़ जाती है, उसी तरह से हमारा जो यह शिवो अहम का परामर्श सुप्त है तो भी यह जागृत हो सकता है। यथा ही अल्प जवो वायु सजातीय विमिश्रितः जवी तथा आत्मा संसुप्तामर्षोप्येवं प्रबुध्यते। जैसे थोड़ी सी वेग की वायु है, उसके साथ अगर और वायु बढ़ जाए तो वह और वेगवान हो जाती है, उसी तरह से यह आत्मा भी, इसका आमर्ष जो शिव परामर्श है वह संसुप्त है, वह भी प्रबुद्ध हो जाता है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें छोटे मोटे देवता या नीचे के स्तर पर नहीं लगकर ऊपरी स्तर पर प्रमुख देवता में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उसका भी उदाहरण वे देते हैं, राज्ञे द्रोहियन अमात्यांग भूतो अपि विनय विहन्यते। राजा के प्रति हम द्वेष कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये जो मंत्री है ये तो मेरा संबंधी ही है, लेकिन उससे हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। रक्षा तो हमारी तभी होगी जब हम राजा में ही अपनी पूरी ईमानदारी रखेंगे, कर्तव्य निष्ठा रखेंगे। तो इस तरह के बहुत सरल सरल उदाहरण दे देकर बहुत अच्छे से अभिनव गुप्त ने अपनी बात समझाई है। और इस तरह से और उनके शिष्यों ने भी, उनके शिष्य जो हैं मधुराज योगी, वे गुरुनाथ परामर्श में कहते हैं, अभिनव सहकार मंजरी यम मधु मधुरम निज सौरभम वमंती रसयति नहि केवलम वसंतम सकलम अतीतम अनागतम च कालम। ये जो इनकी सार्वकालिकता और सार्वदेशिकता है वो यहाँ से प्रूव होती है कि अभिनव सहकार मंजरी, यह जो अभिनव रूपी आम्र वृक्ष की मंजरी है, यह मधु मधुरम निज सौरभम वमंती, मधु से भी मधुर, शहद से भी मधुर, अपनी सुगंध को फैलाती हुई रसयति नहि केवलम वसंतम, केवल वसंत को ही सुगंधित नहीं करती है, अपितु सकलम अतीतम अनागतम च कालम, संपूर्ण अतीत और अनागत सारे काल को यह सुरभित कर रही है। और इस तरह से इनकी सार्वकालिकता, जो आज हम बात कर रहे हैं कि आज की सदी में भी, आज के इस दौर में भी अभिनव गुप्त की शिक्षाएं किस तरह से उपयोगी हैं, किस तरह से ये कभी भी कालातीत नहीं होंगी, यह बात को प्रमाणित होती है। और दूसरी बात, ये जो बात मैं बार बार कह रही हूँ कि परम तत्व का, अपनी शक्तियों का प्रत्यभिज्ञान, यही अभिनव गुप्त का परम उपदेश था। और हमें इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमारी शक्तियों के लिए हमारे, क्योंकि और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उपाय उपाय क्या हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साधना भी उपाय हो सकती है, भक्ति भी उपाय हो सकती है, ज्ञान भी उपाय हो सकता है और तंत्र भी, जो भी उपाय हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आत्म प्रत्यभिज्ञान या शिवो अहम की अनुभूति। इनका कहना है, पर्यंत पंचाशिका में अभिनव गुप्त कहते हैं, उपाये नाग्रह कार्य उपेया भैरवी स्थिति यासौ स्वसंवित तामेव सर्वोपायां समाविशेत। हमें उपाय के प्रति इतना चिंतित, और ये सर्वज्ञानी थे, योगिनी भूत थे और सारी साधनाओं से भी मतलब इन्होंने की हुई थी, ज्ञात थे, तो तब भी इनका निष्कर्ष इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उपाय पर, उपाय के लिए हमें बहुत ये नहीं रखना चाहिए कि यही उपाय श्रेष्ठ है और यही उपाय करना है, क्योंकि हमारा उपेय क्या है हमें इस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और यह जो है उपाय, उपेय जो है वह हमारी
स्वसंवित का प्रत्यय विज्ञान उसकी प्राप्ति उसका साक्षात्कार है, उसी में सारे उपायों का समावेश हो जाता है। मैं समझती हूँ मेरा समय समाप्त होने वाला है, तो इतना कहकर विराम लेते मैडम, पूरा करें वक्तव्य, वक्तव्य तो पूरा करें वक्तव्य बिल्कुल। अच्छा। अभिनव गुप्त की शिक्षाओं का कोई अंत नहीं है, इनकी एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इनकी समन्वयात्मक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है जी। मतलब और ये शैव दर्शन की भी समन्वयात्मक दृष्टि है कि वे दूसरे दर्शनों का कभी भी खंडन नहीं करते, अपितु उनके बारे में उन्हें सोपान परंपरा की तरह से ले लेते हैं, जैसे न्याय है, सांख्य है, वेदांत है, ये सब जो भी परम तत्व मानते हैं, या रस साहित्य शास्त्र की दृष्टि में जो साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में जो पूर्व मत थे अभिनव गुप्त ने उन सब के बारे में अभिनव भारती में कहा है, ऊर्ध्वोर्ध्वम आरुह्य यदार्थ तत्त्वम भी पश्यति शांतिम अवेदयन्ति फलम तदाद्यै परिकल्पितानां विवेक सोपान परंपराणाम तस्मात् तथामत्र न दूषितानि मतानि तानि एव तु शोधितानि। ये खास तौर पे कह रहे हैं जो भी सज्जनों का मत है वो दूषित, उनमें कोई दोष दर्शन इन्हें कभी नहीं करवाते, तानि एव तु शोधितानि उनका शोधन करते हैं, उनसे आगे का ज्ञान देते हैं, पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फलमानन, पहले जो प्रतिष्ठित हैं योजनाएं उनका जो ग्रहणीय तत्व है उसे ग्रहण करें और उसके आधार पर अपने दर्शन को और आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से ये इनका सारा साहित्य जो है वह यही इसी तरह से पूर्व प्रतिष्ठित स्थापनाओं को लेकर चलता है और उसे आगे बढ़ाता है, चाहे तंत्रालोक है, चाहे प्रत्यविज्ञा कारिका विमर्शनी आदि है। तो इन सब में इन्होंने ज्ञान का सागर तो इतना विस्तृत है, किस विषय पर इन्होंने नहीं लिखा है तो वह तो सभी जानते भी हैं और वह बताया भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से और इन्होंने सबसे तंत्रालोक जैसे महान ग्रंथ को इन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम के रूप में समर्पित किया है, ये इनकी विनम्रता है। और इन ये दार्शनिक भक्त हैं या भक्त दार्शनिक है, मतलब पहले इनमें दर्शन अधिक है या भक्ति अधिक है ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, इनके दार्शनिक ग्रंथों में भक्ति के तत्व बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो यह भी एक शोध का विषय हो सकता है। दो शोध के विषय भी मैं सुझा रही हूँ। एक शोध का विषय तो यह है कि दार्शनिक ग्रंथों में इनकी भक्त अभिनव गुप्त का परिचय, और दूसरा शोध का विषय जैसे मैंने बताया बहुत सरल सरल उदाहरण देकर ये समझाते हैं। तो इनके जो दृष्टांत हैं, जितने दृष्टांत इन्होंने दिए हैं वो दृष्टांत भी एकत्रित करके उन दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत को कितनी सरलता से समझाया जा सकता है यह भी हम देख सकते हैं। तो ये अभिनव गुप्त पर भी चाहे जितनी शोध हो जाए कम ही रहेगी। तो ये कहते हैं तंत्रालोक में कहते हैं कि यह जो तंत्रालोक है यह मेरा शिव के चरणों में प्रणाम है, इदम अभिनव गुप्त प्रोम्भित शास्त्र सारम शिव निशमयम तावत सर्वतः श्रोत्र तंत्र तव किल नुतिरेशा साहि तद्रूप चर्चित्य अभिनव परितुष्टो लोकम आत्मी गुरश्व। यह तुम्हारे प्रति मेरा प्रणाम है, इदम अभिनव गुप्त प्रोम्भित शास्त्र सारम, शास्त्रों का सार, ये इनके अनुसार इन्होंने आगमों का आधार लेकर अपनी रचना की है और यह सभी तंत्रों का आधार लिए हुए है। यह तब किल नुति रेशा आपके प्रति यह प्रणाम है जिसमें त्वद रूप चर्चा आपके ही रूप की चर्चा की गई है और इस मेरे इस कार्य से संतुष्ट होकर इस तंत्रालोक को आप स्वीकार करें, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। और यही प्रणाम अंजलि अभिनव गुप्त के प्रति हम लोगों की भी है कि हम भी अपने उनके ज्ञान के माध्यम से अपने बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर व्याख्यान और बड़ा सार गर्भित आपने बातें हमारे साथ शेयर की और बल्कि आपकी सारी बात समझते हुए सुनते हुए मुझे यही लग रहा था कि अभिनव गुप्त को दो तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, हृदय से और बुद्धि से।
वो जो बुद्धि के मार्ग से आगे उनके पास आते हैं, उनकी शरण में आते हैं, उनको वो बुद्धि से उत्तर देते हैं, और जो लोग हृदय से उनके पास आते हैं वो हृदय से उनको स्वीकार करते हैं, आलिंगित करते हैं और शिवत्व की उपलब्धि के मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं। संक्षिप्त और सटीक वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानपूर्ण ये विषय आपने प्रस्तुत किया है और उनके ज्ञान पक्ष को बिल्कुल ही आपने समेटने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व, अगले हमारे मुख्य वक्ता हैं उपेंद्र अंबर दार जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर अभिनव गुप्त जी के विषय में दो तीन बातें फिर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हम जैसे अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञानी और सीमित साधनों वाले जो लोग होते हैं, वो तो सामान्यतः या तो पढ़ते हैं किसी वस्तु विषय व्यक्ति के बारे में या सुनते हैं। इसलिए अगर आप इस स्लाइड पे नीचे की ओर देखें, ये जो संस्कृत का एवं शब्द है, ये इसकी दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन में है कि एवं मया श्रुतम, कि आपने इस तरह से अभिनव गुप्त के बारे में सुना सुना तो जुड़े आपने और जानने की इच्छा की। लेकिन एवं शब्द जो है ये बताता है कि आप एक विशेष दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। आपकी दृष्टि जो है वो 360 डिग्री पे नहीं जाती और वो व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसको सीमित दृष्टि से आप जो सुना गया है वो पर्याप्त नहीं। दूसरा है कि एवं मया दृष्टम, ये दूसरा पक्ष है इस एवं का, कि ऐसे आपने देखा, ऐसे आपने पढ़ा, और वो भी पूरा नहीं पढ़ता। अब इन दोनों के बीच में हम ये दावा करते हैं कि हमने अभिनव बुद्ध को ज्ञातम, मया ज्ञातम, लेकिन वो मया ज्ञातम क्या है, वो भी एवं ही रह जाता है, वो किंचित मात्र रह जाता है, अपूर्ण ख्याति की ओर वो हमें ले जाता है। और यहाँ से आपके पास दो पतवारे हैं काश्मीर शैविज्म की नौखा देने के लिए। एक है आपके पास इंटेलेक्ट का मार्ग, और दूसरी तरफ आपके पास पतवार है प्रज्ञा की, इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंस से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसकी शरण में जा सकते हैं, और अगर आपको अपनी बुद्धि पे बहुत अधिक भरोसा है तो आप उनकी उनको चुनौती देते हुए कि उनसे पूछते हुए, पुनः पुनः प्रश्न करते हुए आप उनसे जान सकते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, हम जैसे लोग जो केवल बुद्धि और प्रज्ञा के बीच में अटके हुए हैं, वो केवल अभिनव गुप्त के तीन रूपों को, तीन पक्षों को ही पकड़ पाते हैं जो एक सामान्य स्तर पे। आप या तो उनको कर्ता के रूप में देखते हैं कि उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतना कुछ कर दिया, कैसे संभव है, या आप उनको भोक्ता के रूप में देखते हैं। भोक्ता के रूप में आप देखते हैं कि उनके पास सारे ज्ञान समाहित होके आ रहे हैं और वो आनंद की स्थिति में जी रहे हैं, या भोक्ता की दृष्टि से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप स्वयं उनके पास भोग लेके जाते हैं और उनको वो प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके बदले में उनसे आप तथास्तु लेकर के आते हैं। और तीसरा जो पक्ष सामान्य रूप से हम जैसे लोग जो समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञाता के रूप में, भोर के रूप में, इन तीन पक्षों से सामान्य रूप से हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। और हमें लगता है कि शायद इससे हम अभिनव गुप्त की चेतना को पूरा का पूरा जान लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन मुझे वो संदेह रहता है। हालांकि वो स्वयं अपने विषय में ये कहते हैं, बड़ा सुंदर ये श्लोक है और ये भी मुझे उपलब्ध हो गया, और उस श्लोक के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उपेंद्र अंबरदास जी को कि वो हमारे साथ अपनी बात साझी करेंगे। पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि सत्तर्क सत्तर्क मूलोन्मित प्रज्ञा कल्प लता विवेक कुसुमय रभ्यर्च हृद देवताम पीयूषा सब सार सुंदर महासाहित्य सौहित्य। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग वो स्वयं कर रहे हैं। भाग विश्राम्य हम ईश्वरा द्वय कथा कांता सख सांप्रतम, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के मंगलाचरण में अभिनव गुप्त कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सभी के लिए ये है, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र रूपी जल से स्नान से पवित्र होकर सत्तर्क रूपी मूल से अंकुरित हो रही प्रज्ञा रूपी कल्पलता से विवेक ज्ञान रूपी कुसुमों से अपने हृदय में स्थित परम शिव का अभ्यर्चन करके अमृत रूपी आसव के सार से सुंदर महक रहे
महासाहित्य के सौहित्य अर्थात समरस भाव का भागी बना हुआ मैं आजकल ईश्वराद्वय की कथा रूपी जो कांता है, उस कांता का मित्र बना हुआ पूर्ण आत्म विश्रांति को जी रहा हूं। ये अभिनव गुप्त अपने विषय में हमें बता रहे, लेकिन क्या उनके बताने पे भी हम अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से क्या उसमें समझ पा रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि आज का ये दिन उनके इस व्यक्तित्व के इस पक्ष को समझने के लिए बहुत उचित दिन है। तो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उपेंद्र अंबरदार जी को कि वो वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ पा रही? मैं सिर्फ यहाँ एक चीज कहना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से डॉक्टर सुषमा मेहता अपना वरीकर में जी, मेरे हिसाब से हर भक्त दार्शनिक अपने आप हो जाता है। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि भक्ति दर्शन का एक प्रथम सोपान हो गया, कि भक्त में वो हर कण कण में ईश्वर को देखता है, तो वो दार्शनिक अपने आप बन गया कि ब्रह्म को सर्वत्र देख रहा है। ठीक है मैम, आपकी बात भी ठीक है। चलिए अभी तो स्वीकार्य है, फिर इसको प्रश्न उत्तर में भी लेंगे, क्योंकि इसको भी देखने के अभी मैं और इसके पक्ष आपके सामने रखूंगा कि देखते हैं कि सभी भक्त दार्शनिक किस अर्थ में होते हैं, इसको जरूर देखेंगे अभी आगे। लेकिन अच्छी टिप्पणी के लिए धन्यवाद आपका। श्री उपेंद्र अंबरदार जी सर, आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज माइक आपका ऑन है सर। उपेंद्र जी सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आप माइक छोड़ दीजिए, मैं ऑन कर दूंगा जी। आप बोलिए सर। उपेंद्र जी सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, आपके माइक ऑन है सर। नहीं, कोई नहीं, अभी एक सेकंड उनको लगेगा। उपेंद्र जी आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, आप आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक उपेंद्र जी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कृपया चेक करें आप। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आप तक शायद आ रही है। नो सर, आई एम नॉट गेटिंग यू। आशुतोष जी, जम्मू में ना ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ दिनों से। हो सकता है, वही लग रहा है। 2G है, ब्रॉडबैंड में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, हो सकता है उस कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हम तो किसी और दूसरे वक्त तो शुरू कर लेते हैं। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे अगले विद्वान वक्ता को, तब तक शायद उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे आज के अगले जो विद्वान वक्ता हैं श्री प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ अपनी बात साझी करें, अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, नहीं सर, बहुत हल्की उपेंद्र जी, आपकी बहुत हल्की, आप एक बार चेक कर लीजिए। तब तक हम अगले वक्ता को ले लेते हैं और उनके बाद फिर पुनः आपको ले लेंगे। सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, हाँ यस सर, प्लीज। अगर मोबाइल ठीक है, सुरेंद्र जी के बाद फिर हम जो है उपेंद्र जी को सुनेंगे और फिर अंत में जो है हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस की ओर चलेंगे। जी सर प्लीज। ब्रह्मां शनलो नीलोम्बरमहरनाथो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्।
नान्यत किंचन विद्यते विमृशते यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये न ध्यायतो न जपतः यस्य शिष्याद्यस्याभि पूर्वकम् एवमेव शिवाभासः स्तनुमो भक्तिसारिणम् नमो महाभ्याः नमो समस्त प्रकाश की थोड़ी समस्या आ रही है। मैं हाँ, प्रकाश की थोड़ी समस्या मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं थोड़ा नेट क्वालिटी लो है। कोई नहीं सर, आप बस माइक को पास रखिए और थोड़ा लाउड रहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो उसमें कि किस प्रकार से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है और महामहेश्वर दक्षिणामूर्ति कल्प आचार्य अभिनव गुप्त जो 11वीं 12वीं सदी इज स्पेंडिंग बुद्ध सेंचुरीज, अगर वो 1114-15 में उनका जन्म हो रहा है सप्तर्षि संवत्सर के अनुसार, तो लगभग जो है 1110-1111 तक उनको उपस्थिति है। 96 वर्ष की आयु तक जो है जीवित हैं, बहुत रिचली प्रोडक्टिव लाइफ है। एकेडमिकली तो है परंतु साधना की दृष्टि से और उस विद्या को चारों तरफ फैलाने के लिए और संपूर्ण जो निगमागम परंपरा है उसको शुद्ध साधना के परिप्रेक्ष्य में त्रिका पृष्ठभूमि में ला करके खड़ा करने के लिए यह श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त पाद को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीछे अभी मैं फेसबुक में देख रहा था कि ये गुप्त शब्द पर संदेह करके किन्हीं लोगों ने गुप्त शब्द से यानी गुप्ता जो है रक्षक के अर्थ में उससे लिया, ऐसा नहीं है। यह जो अभिनव गुप्त पाद है इस शब्द का एक अर्थ आदरणीय प्रोफेसर केसी पांडे जी ने भी दिया है, वह भी एक प्रकार की उत्प्रेक्षित अर्थ है, परंतु यह स्पष्ट अर्थ है कि किस प्रकार जो है जो अभिनव है, अभिनव तो सद्यो जात है, अभिनव तो नित्य नए पर में आने वाले शिव का स्वरूप है, वह जिसमें समाहित है, वह जिससे संरक्षित है, वह आचार्य अभिनव गुप्त हैं, उनका सार्थक नाम है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और यह आचार्य अभिनव गुप्त जो हैं इस नाम से, हेलो, इस नाम से हमें सुनाई दे रहा हूँ। हाँ, तो वो दो नाम हमें आचार्य अभिनव के नाम से मिलते हैं। एक जो तंत्र बटधानिका के रचयिता हैं, वो भी उनके शिष्य परंपरा में और कुटुंब परंपरा में आते हैं, जो अभिनव गुप्त विशेष करके जाने जाते हैं। उनके बारे में हमारे आचार्य बलजीत नाथ पंडित जी ने भी उल्लेख किया है अपने कोर्स में। तो तंत्र बटधानिका जो है स्वयं आचार्य अभिनव गुप्त प्रथम का न होकर उन्हीं की शिष्य परंपरा में आगत जो अभिनव गुप्ताचार्य हैं, विशेष के नाम से पुष्पी नाम में उनको अपना उल्लेख मिलता है उनका, तो उनके नाम से तंत्र वटधानिका जाती है। तंत्रालोक, तंत्र सार, तंत्र वटधानिका, ऐसे ग्रंथ जो है इनको त्रिक दर्शन और त्रिक साधना आचार पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। यह जो त्रिक है इसको आचार्य अभिनव गुप्त को समझने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है। पहले मैं बता दूं कि आज जो एकादशी है, मेरे मन में भावना आ रही थी गीता के दो दो व्याख्याएं उनके उन्होंने तैयार करके ज्ञान कर्म समुच्चय है उसको स्थापित किया है आचार्य अभिनव ने, और उसमें अंत में जो समराइज करने के लिए जिन पद्यों को दिया उसमें गीता का अभिनव अर्थ प्रकट होता है। परंतु खेद की बात है उनमें से बहुत सारे ग्रंथ उनके उपलब्ध नहीं है, उनमें गीता संग्रह नाम से बृहद व्याख्या है गीता की, वह भी प्राप्त नहीं हो रही है। और एक आगमिक पृष्ठभूमि में गीता को प्रस्तुत करना और श्री कृष्ण को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करना
दुर्वासा की परंपरा में एक सिद्ध साधक रहस्य ज्ञाता के रूप में प्रख्यात करना से यह भी आचार्य अभिनव गुप्त को जाता है। 40 से अधिक जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनके कार्य हैं, जिन्हें बहुत सारे जो है टीका ग्रंथ हैं, जो प्राचीन अद्वैत परंपरा के ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, उन पर जो है व्याख्या है, और आगे जो है अपने स्वतंत्र ग्रंथ उन्होंने भी रचना किए, जैसे तंत्रालोक तंत्र सार का मैंने नाम लिया, और ये ग्रंथ परमार्थ सार है, जो प्रवेश मात्र के लिए जो वैष्णव परंपरा के परमार्थ सार को लेकर उन्होंने वो एक अडाप्टेड टेक्स्ट है, वो एक अडाप्टेड टेक्स्ट है, एक छाया ग्रंथ है वैष्णव परंपरा के ग्रंथ में उन्होंने इस अद्वैत तत्व को भरा है। आज इसे हम काश्मीर सैविज्म करके जानते हैं, परंतु काश्मीर में हर तरह की देवधारा का विकास हुआ। कौल भी शैव है, वाम भी शैव है, और द्वैत शैव, विशिष्टाद शैव और अद्वैत शैव है, तो अद्वैत शैव धारा जो है अधिक विकसित हुई, और उसी के नाम से हम आचार्य अभिनव गुप्त पाद को जानते हैं। और इस करके जो अद्वैत शैवागम है काश्मीर का, उसे हम काश्मीर सैविज्म करके कहीं आज मधुसूदन कौल जी और जैसे चटर्जी जी, उन्होंने ही इस नाम का प्रयोग किया, और आज यही नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है। और यह साधना शास्त्र और यह जो जो अकेडमिक जो हो रहे हैं तो ये सारा जो है पूरे विश्व में फैल रहा है, इसके बहुत सारा पक्ष हैं। और आज जो काश्मीर की स्थिति है वो लग रहा है फिर से जो है केसर और कुमकुम यहाँ खिलने जा रहे हैं, वहाँ जो अर्चा विग्रह है वहाँ के लिए ये शास्त्र फिर से नए अर्थ को जो बातें हैं उनको जो तीर्थ से जोड़ता हूँ, क्योंकि शुद्ध कौल मत के भी वो जो है प्रख्यापक आचार्य थे और मानने वाले आचार्य थे। और किस प्रकार आगमों से लेकर के स्पंद से लेकर के, क्योंकि उनसे पहले तंत्रों के रूप में आगम प्रतिष्ठित थे, और जो अंतिम आगम है वो शिव सूत्र है। शिव सूत्रों में और आगमों की तरह शिव वक्ता और पार्वती माता श्रोत्री नहीं है, परंतु शिव और पार्वती इनके बीच में 64 तंत्रों में जो जो संवाद हुआ उस संवाद को बहुत संक्षिप्त कर दिया जाए और 3 उपायों में बांट दिया जाए, तो वह जो ये शिव सूत्रों के रूप में 77 सूत्रों में परिसीमित होकर के हमारे पास में आ रहे हैं। तो वो शिव सूत्र जो अंतिम आगम के ग्रंथ हैं, वहां से वसुगुप्त 8वीं सदी का समय उनके द्वारा दृष्ट महादेव पर्वत पर जो है एक प्रकार से काश्मीर अद्वैत सहवागम है काश्मीर का, उसकी शुरुआत होता है। पर उनसे पहले स्वच्छंद तंत्र है, नेत्र तंत्र है, योगिनी हृदय तंत्र है और रुद्र यामल तंत्र है, इन सभी तंत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस शास्त्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो परात्रिशिका है जो बहुत ही सटलेस्ट, जो सबसे तीक्ष्ण बुद्धि और साधना का ग्रंथ है, भावना की विद्या है, वो परात्रिशिका है जिस पर विवरण लिखा है आचार्य अभिनव गुप्त पाद ने। और आगे जो वसुगुप्त उन्होंने अपने भट्ट कल्लड़ जो उनके शिष्य थे उनको जिन स्पंद कारिकाओं प्रदान किया, यानी शिव सूत्रों का मथन करके उससे पहले जो आगम है उनका मथन करके, और उन्होंने जो नवनीत निकाला वह स्पंद कारिका के रूप में, उस स्पंद कारिका के ऊपर भट्ट कलट ने वृत्ति लिखी और उसमें आगम के साथ में स्पंद जुड़ गया, और स्पंद के साथ में जो त्रिक परंपरा बनी आचार्य सोमानंद से लेके जो दार्शनिक दृष्टि उभरी शिव दृष्टि के माध्यम से, फिर आचार्य उत्पल के स्तोत्र में, और जो है जो सिद्धि त्रयी है जो बहुत तर्कपूर्ण ग्रंथ है
रही, उसके माध्यम से जो एक दार्शनिक प्रस्थान बना वो दास साधना दार्शनिक प्रस्थान जिसमें आगमों का पुट है, उन सबको लेकर के जो समीकरण प्रस्तुत किया वो समीकरण हमें देख मिलता है जो है प्रत्यविज्ञा विवृति प्रत्यविज्ञा विवृति विमर्शिनी जैसे का, और फिर जो है तंत्रालोक और तंत्र सार के अंदर हमें परंपरा मिलती है ना। ठीक ठीक आवश्यकता है कि शास्त्र परंपरा की रक्षा की जाए। मैं सुनाई पड़ रहा है, आवाज रुक गया आवाज रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है। बहुत सारे माइक ऑन है, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखें। प्लीज आप बाकी सभी श्रोताओं से बंद है म्यूट किया हुआ है, यहाँ से म्यूट है। जी जी सर। तो हाँ, आचार्य अभिनव गुप्ता तो इन जिन बातों को लेते हैं जी, तंत्रालोक में जैसे जयरथ का भी नाम आया, किस प्रकार से उसके भावों को उपस्थापित करते हैं अपने कार्य के माध्यम से। अगर जयरथ के माध्यम न हो तो कहीं जो ये हम तंत्रालोक की इन्हीं बातों को नहीं समझते हैं। तंत्र सार उसमें थोड़ा सा भिन्न है, अनुपाय से वो शुरू करते हैं। अनुपाय से शुरू कर होने वाला जो तंत्र सार है उसमें और संक्षिप्त कर दिया जाता है, त्रिकाचार को संक्षिप्त कर दिया जाता है। त्रिका शब्द का अर्थ इस अर्थ में हम लें कि आत्म स्पंद और प्रत्यभिज्ञा इन तीनों को मिला करके त्रिक बनाया गया है। पशुपति पास तो है ही, परंतु उस पशुपति पास के अंत संबंध को और यह जो भावना के माध्यम से शिविर भाव की जो विद्या है, ये जो शिवोन्मुख योग है, इस योग के माध्यम से जब ही हम जो है देखते हैं आचार्य अभिनव गुप्ता को उनके ग्रंथों के माध्यम से, तो चाहे हम अनुपाय जब शुरू होता है विशिष्ट प्राकाष्ठा उसकी दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि अनुपाय जो लक्ष्य है शिव सूत्रों का, परंतु अनुपाय उस रूप में वहां पर उपस्थित नहीं है, उसको नवनीत की तरह उसका संग्रह आचार्य अभिनव गुप्ता करते हैं और तंत्र सार में सार के रूप में अनुपाय से शुरू करते हैं और उसके अंदर जो है कुछ तो अकाडमिक डिस्कशन है, कुछ बुद्धि बाद है, परंतु उसके अंदर जो साधना की धारा है, उसके अंदर जिन मंत्रों का प्रयोग है, उसके अंदर जो वर्णों का की व्याख्या है और वर्णों का अपने शरीर में साधना के परिप्रेक्ष्य में स्थापना है, उनके द्वारा भावना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि साधना पृष्ठभूमि में हम काश्मीर सैविज्म को नहीं समझेंगे, यह मात्र एक दर्शन पृष्ठभूमि का होकर के रह जाएगा, परंतु हमारे जो छह दर्शन हैं, षट दर्शन हैं, जो श्रवण दर्शनों में जैन और बौद्ध दर्शन हैं, इन सभी दर्शनों को समाहित करते हुए बौद्ध मत को खंडित करने के लिए आचार्य अभिनव गुप्त ने कितना प्रयास किया और कितना बुद्धिपूर्ण तर्क के माध्यम से, जैसे विज्ञप्ति मात्रता से बातें हैं योगाचार बुद्धों का, उन सब बातों को समाहित कर लिया तार्किक दृष्टि से। परंतु क्या हम ऐसा मानेंगे कि काश्मीर सेवा दर्शन के अंदर जो बातें हैं, क्या और दर्शनों को देख करके उनके ऊपर इसको एक सुप्रास्ट्रक्चर के रूप में खड़ा किया गया है, क्या यह बुद्धिवाद है? परंतु ऐसा नहीं है। ये जो सारे आचार्य थे, ये आचार्य चाहे महर्षि दुर्भाषा से लेकर के जो आचार्य परंपरा हुई, प्रख्यात हुई, जिसकी अंतिम कड़ी हमारे जो महामहेश्वर जो शिवाचार्य लक्ष्मण जो महाराज थे, तो ये बहुत बड़ी परंपरा, इसके अंदर साधना का मुख्य पृष्ठभूमि है। वो साधना के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको शिष्य बोध के लिए जो है एक तार्किक और दार्शनिक पृष्ठभूमि दी जाती है। दार्शनिक कारण से
अलग अलग ग्रंथों में जैसे बातुलनाथ सूत्रों में हम देखेंगे, जैसे अभिनव गुप्ताचार्य के ही अनेक ग्रंथों में हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि तंत्र से तंत्र सार का यह क्रम भिन्न है, ये जो भिन्न भिन्न क्रम है एक गुरु के मुख से एक आचार्य के मुख से क्यों भिन्न भिन्न बातें शास्त्र दशा में कही जाती है, क्योंकि शिष्य संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं, उनके विधान अलग हो सकते हैं, उनका साइकोफिजिकल डिस्पेंसेशन डिस्पोजिशन अलग अलग हो सकती है। इस करके भी एक शास्त्र अनेक मुखों से, जैसे एक ही शिव अपने पांच मुखों से, इन पांच मुखों की बात पहले अथर्ववेद में आता है, यहाँ से पार्श्वपद लेते हैं, वहां से पांच मुख यहाँ तक आता है, उन पांच मुखों से जो है कैसे 64 आगम निकलते हैं, तो जो आदि में बनते हैं, ये सारी बातों को देख करके हम देख सकते हैं कि कैसे जो आचार्य अभिनव गुप्तवाद हैं और उनकी शिष्य परंपरा के माध्यम से और उनका जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि उन्हीं के जीवन दशा में 1196 में बख्तियार खिलजी आते हैं और ध्वंस होता है, यानी ऐसा एक समय ऐसी एक कड़ी है आचार्य अभिनव गुप्त भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारत के जो है दर्शन परंपरा को साधना परंपरा को समझने के लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य अभिनव गुप्त हमारे लिए। जैसे आचार्य शंकर दक्षिण भारत में है, ऐसे उत्तर भारत में आचार्य अभिनव गुप्त बहुत कि प्रपंच सार तंत्र के माध्यम से लहर के माध्यम से और जो अद्वैत साधना विधान के माध्यम से पंचानंद तीर्थ के जो शक्ति शक्ति भाष्य है ब्रह्मसूत्रों का माध्यम से कि कैसे शंकर एवं आचार्य अभिनव गुप्त इन दोनों को हम समन्वय बनाए, तो जो है यह जो अखंड भारत में यह जो साधना विद्या है यानी अद्वैत साधना की विद्या, आचार्य शंकर भी अद्वैत साधक हैं, आचार्य अभिनव भी अद्वैत साधक हैं और दोनों आगमिक भी हैं। और ये कहना चाहूंगा आचार्य अभिनव गुप्त केवल आगमिक नहीं है वो नैगमिक भी हैं, जैसे वो बहुत स्थानों में उपनिषदों का उद्धरण देते हैं और स्वयं भगवद्गीता की दो दो व्याख्याएं करते हैं, अतः निगम और आगम दोनों परंपराओं के बीच में इसका सिंदूर बिंदु है उसको आचार्य गुप्त के रूप में मानते हैं। सर थोड़ा सा मुझे लगता है समय की जो है ना सुई वो आगे चलता है, अंत में क्योंकि आचार्य अभिनव कथा सागर है अथवा कैलाश पर्वत है मान सरोवर है हमारे साधना आसोपानों के, तो उनको उन्हीं के शब्दों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी इष्ट देवता को भी प्रणाम करता हूँ। अवचका किरण स्तुति रंबिके सकल शब्द जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से उनके आत्मिक होने को प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए वस्तुतः है एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर कश्मीर शैव दर्शन के विषय को वैदिक विषय के साथ जोड़ने में कई बार लोगों को कठिनाई होती है और दोनों के अंतर संबंधों को समझने में ये बात आपने जो रखी है आज ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इससे एक नई दिशा भी हमें मिलेगी। और ज्यादा क्योंकि समय के थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और मैं किसी विशेष औपचारिकता के मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उपेंद्र संप्रदाय जी को, वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें, अपना वक्तव्य हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार जी, सारे जितने भी आप इसमें सदस्य भाग लेते हैं महानुभाव भाग लेते हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, और इसके साथ ही आज के इस पावन दिवस पर हम सबको आचार्य अभिनव गुप्त की जन्म दिवस की सबको बधाई और अभिनंदन करते हैं आज के इस पवित्र दिवस पर। सबसे पहले मैं क्योंकि समय का अभाव है तो मैं अपने आप को केंद्रित करूंगा, जो मेरा संबोधन है मैं केंद्रित करूंगा, मैं थोड़ा बहुत जो काम मैंने किया है अभिनव गुप्त के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली प्राप्त हो गई तो उसको मैं सार्वजनिक करूंगा कि ताकि पता चले, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कुछ बातें जो थी जो कश्मीर शे, शे, जो शिव मत है यहाँ पर हमारे जो शिव
आश्रम है, तो हमारा एक प्रमुख आश्रम है श्रीनगर में, जिसको राम भगवान श्री राम क्षेत्र का आश्रम के नाम से जाना जाता है, और एकमात्र ऐसा आश्रम था जो पहले कश्मीर में स्थापित हुआ, जिसको स्वयं स्वामी राम जी ने स्थापित किया था 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में, क्योंकि उस ये वो समय है जब अफगान का दौर जो है वो खत्म हो गया था, तो उनकी दमनकारी जो नीतियां थी उनके कारण तो ये हमारा जो शैव मत था, जो शैव दर्शन था कश्मीर में, वो तकरीबन लुप्त हो गया था। जिन्हें चुने ही शैव शास्त्री रह गए थे, शैव दर्शन पे बोलने वाले रह गए थे या जानकारी रखने वाले रह गए थे, उनमें से उस वक्त जो थे प्रमुख थे वो मनकाक मोंगा थे और थे सुखदेव जी, जो आचार्य स्वामी राम जी के पिताश्री थे। ये दो ही, सिर्फ दो या तीन उस वक्त रह गए थे जिनके पास शैव शास्त्र का ज्ञान रह गया था कश्मीर में, जब जब सत्ता परिवर्तन, जब अफगान का दौर खत्म हो गया था। तो स्वामी राम जी ने ये जो आश्रम शुरू किया, तो हम हमारी मानता हम कहते हैं कश्मीर में कि अभिनव गुप्त ने सुदृढ़ किया कश्मीर शैव दर्शन को, तो आचार्य अभिनव गुप्त के उस शैव दर्शन को स्वामी राम जी ने पुनर्जन्म दिया, उसको पुनर्स्थापित किया कश्मीर में, बहुत सारे सदियों के बाद पुनः स्थापित हुआ। तो एक तरफ से हम उसको स्वामी राम जी को दूसरी दफा इसको पुनर्जीवित करने के लिए उसको हम आभारी अपने आप हमेशा आभार प्रकट करते हैं कि स्वामी राम जी ने इसको पुनः स्थापित किया कश्मीर में। तो दो तीन बातें मैं आपको बताऊं कि कश्मीर शैव दर्शन, ये शैव आश्रम जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा जो आचार्य अभिनव गुप्त ने शुरू की थी, और वो आचार्य अभिनव गुप्त की जैसे उनकी गुरु शिष्य परंपरा थी, वैसे उनकी शिष्य परंपरा भी बड़ी गौरवशाली थी। तो वो शिष्य परंपरा जो आचार्य अभिनव गुप्त ने शुरू की थी और अपने प्रिय शिष्यों के द्वारा वो चलती रही, और उसको परंपरा को आगे बढ़ाया फिर स्वामी राम जी महाराज ने, और जो स्वामी लक्ष्मण जी तक चलती रही, निरंतर चलती रही। तो एक कंटिन्यूटी में जो निरंतरता है, निरंतर इसमें है जो शैव की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा को उसको विद्यमान रखा इसने, इस आश्रम ने कश्मीर शैव जो हमारा आश्रम है जो श्रीनगर में विद्यमान है, जो स्वामी राम जी ने जिसको स्थापित किया था, उनके प्रधान शिष्य जो थे वो स्वामी माधव काक थे। स्वामी माधव काक को ही स्वामी राम जी ने नियुक्त किया कि स्वामी लक्ष्मण जी को शिक्षा दीक्षा देने के लिए जो उनको शिक्षा हुई है वो स्वामी माधव काक जी ने दी है, उनके वो परम जो है गुरु हैं स्वामी लक्ष्मण जी के, मगर उनको जो है जो निर्देश हुआ था वो स्वामी राम जी के महाराज हुआ था, क्योंकि स्वामी राम जी उस समय जब स्वामी लक्ष्मण जी ने शिक्षा ग्रहण का कार्यक्रम जो शुरू किया था, उस वक्त जो योग अवस्था में थे वो काक योग अवस्था थे, जिसमें उसने अपने घुटनों अपनी छाती के साथ रखा था, इस अवस्था में योगिक अवस्था में थे, इसलिए चलने फिरने के से वो कांसी रहे थे। वो अपने आप को उन्होंने सिर्फ अपने आप को राम क्षेत्र का आश्रम है, जो उन्होंने 1884 ईस्वी में जो आश्रम शैव आश्रम जिसको अब विख्यात जो नाम है वो है स्वामी राम क्षेत्र का आश्रम के नाम से जाना जाता है, और पूरे देश में ये नाम प्रचलित है, क्योंकि उन्होंने यहीं से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अपने जो उसके प्रिय शिष्य थे उनमें उन्होंने वो शैव शास्त्र में पारंगत थे, प्रकांड थे वो, जितने शैव शास्त्र है वो सारा जितने तंत्र लोक से तंत्र सार परमात सार और जितने भी शैव शास्त्र के ग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार जो होता था वो होता था इसी आश्रम में होता था जो स्वामी राम महाराज जी ने, और इसी आश्रम से जितने भी शिष्य जो हो गए हैं जिन्होंने इस शास्त्र को ग्रहण किया और जिन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि स्वामी राम जी के हम ऋणी हैं और इस आश्रम के ऋणी हैं कि इन्होंने फिर से आश्रम इस शैव जो चिंतन है इसको फिर से कायम रखा। तो इनके प्रधान जो प्रधान शिष्य थे स्वामी महताब काक, वही परम शिष्य है, परम गुरु है, जिन्होंने शिक्षा और दीक्षा दी थी स्वामी लक्ष्मण जी को।
दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारे परम जो आश्रम की जो व्यवस्था है शिव आश्रमों की कश्मीर में, स्वामी राम क्षेत्र का आश्रम की या इसके ईश्वर आश्रम की, तो हम भगवान शिव को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, भगवान शिव को हम विश्व गुरु रूप के मानते हैं। तो हमारे आश्रम जितने भी कश्मीर में है, शिव आश्रम जो है, वहां पर किसी भी देवी या देवता का हम कोई चित्र लगाने की आज्ञा नहीं है। तो क्योंकि भगवान शिव को हम विश्व गुरु मानते हैं और बाकी जो है वो शिष्य परंपरा जो अभिनव गुप्त से शुरू होती है उनके काल से उसको मानते हुए, तो भगवान शिव को गुरु जो वंदना करते हैं एज ए विश्व रूप जो गुरु है उसमें मानते हैं। तो बाकी उसके बाद जो आचार्य अभिनव गुप्त की होती है शिष्य गुरु परंपरा है, तो वो आज तक जो है वो विराजमान है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि कश्मीर शैव परंपरा में जैसे महान आत्मा हुए हैं, महान साधु हुए हैं, महान आचार्य हुए हैं, जब उनका निर्वाण दिवस मनाते हैं, लेकिन कश्मीर शैव परंपरा में हम निर्वाण दिवस नहीं कहते हैं, हम इसको शिव विलय कहते हैं, इसको हम भैरव अवस्था कहते हैं। और इस भैरव अवस्था में जो चले जाते हैं उनको हम निर्वाण दिवस नहीं कहते हैं। जैसे हम भगवान स्वामी राम जी का जब हम दिवस मनाते हैं तो हम उसको शिव विलय दिवस कहते हैं, न कि उसको कहते हैं कि निर्वाण दिवस है। तीसरी बात जो है कि आचार्य अभिनव गुप्त जी अपने आप को जो उन्होंने अपने रचनाओं में वर्णित किया है, तो वो स्वयं ही खुद कहते हैं कि मैं योगिनी भू हूं। तो योगिनी भू है क्योंकि कश्मीर में प्रधानता थी शिव तत्व की, शिव मत की और शाक्त मत की, दोनों का वहां पर बड़ा बहुत ही प्रभावशाली वहां पर प्रभाव रह चुका है। तो हमारे जो योगिनी भू आचार्य अभिनव गुप्त अपनी रचनाओं में कहते हैं, तो ये परंपरा जो थी कि यहाँ पर बहुत सारे संत हुए हैं, क्योंकि जब बालक योगिनी भू बालक का जन्म होता है तो उस वक्त उनके परिवार, उनके जो माता पिता होते हैं उनमें शिव तत्व और दूसरी बात है शक्ति तत्व की प्रधानता होती है उस वक्त, तभी योगिनी भू जो है बालक वो उत्पन्न होता है। तो हमारे जो शिव जो हमारी जो धारणा है उसके हिसाब से जैसे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ तो वो भी यो एक एक प्रकार से योगिनी भू ही थे। इसी स्वामी राम जी का जो जब उनका जन्म हुआ तो वो भी योगिनी भू है। इसी तरह से बहुत सारे संत कश्मीर में जो उत्पन्न हुए हैं तो वो भी हो गए। ललीश्वरी हमारी जो थे कि बड़ी मानी हुई हमारी जो प्रतिष्ठित जो थी कवित्री थी संत थी, उन वो भी योगिनी भू है क्योंकि उनके पिताश्री ने शारिका भगवती से मांगा था, तो इसीलिए वो भी योगिनी भू थी। तो ये एक परंपरा थी। दूसरी तीसरी एक और बात में जो आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भगवान अभिनव गुप्त के बारे में कहते हैं, जैसे वो खुद ही बताते हैं कि जब वो भैरव गुफा में जाता है, भैरव गुफा ये बीरवा जो है, बीरवा एक ग्राम है कश्मीर में, जिला बड़गाम में है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर ये भैरव गुफा है। इसको दो तीन नामों से जाना जाता है, इसको अभिनव गुफा भी बोलते हैं, इसको भैरव गुफा भी बोलते हैं, इसको बट गुफा भी, क्योंकि कश्मीरी पंडित को हमारे कश्मीर भाषा में बटा बोलते हैं, बटारी का बटा बोलते हैं, तो इसको तीन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर जब वो भैरव गुफा में प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं, आम धारणा ये है कि पता नहीं चला है, जैसे रचनाओं में आता है कि पता नहीं चलता है चला कि अभिनव गुप्त फिर क्या उसके बाद क्या हुआ। तो भैरव गुफा एक अवस्था योगी कश्मीर हमारे जो शैव दर्शन में है एक योगिक अवस्था हम कहते हैं, ये धारणा है हमें जो शैव परंपरा कश्मीर की है उसमें एक धारणा है। उस धारणा के हिसाब से हमारा शरीर जैसे कि हम जानते हैं कि पंच महाभूतों का बना हुआ है, उसका मिश्रण है, तो हमारी मान्यता है, हमारा जो विश्वास है कि जब अभिनव गुप्त जब वो अदृश्य हो गए, कहते हैं कि भैरव गुफा में फिर पता नहीं चला, तो कहते हैं कि अभिनव गुप्त ने उसी योगी क्रिया के द्वारा, क्योंकि वो भैरव उसको जब उन्होंने उसमें प्रवेश किया तो उस अवस्था को, उस प्रवेश करने वाली अवस्था को भैरव प्रवेश स्थिति कहते हैं या भैरव स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि ये इच्छा शक्ति मृत्यु का जो ये स्थिति है ये भैरव स्थिति है। जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया
तो उन्होंने भी उसी विश्वास जो योगी क्रिया थी, जब पंच महाभूतों का जो हमारा शरीर पार्थ जो शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है, और उन पंच महाभूतों में जो अपने उनके अधिष्ठात जो देवी हैं देवता हैं, तो उन्होंने उन पंच महाभूतों को उनको समर्पित किया, तो बाकी बाद में तो अदृश्य हो गए हैं। फिर ये एक मान्यता है जो मैं बताना चाहता था। एक और बात कि जब मैं काम कर रहा था, थोड़ी बहुत जानकारी मिली मुझे, जब अभिनव गुप्त की जहां पर एक गुफा है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में जब है वहां पर जब प्रवेश करने से पहले ये जो जनश्रुतियां हैं, ये आम हमारी जो धारणाएं हैं, ये हमारे मानस पटल पर हमने संजोए हुए हैं, और मौखिक रूप से ये इतने 1100 साल 1100 साल जो है ये लिखित रूप में नहीं है, ये मौखिक रूप से कुछ घरों में ये सीमित था, ये उन्होंने मौखिक रूप से ये इस परंपरा को आगे बढ़ाते थे, एक किस्म का फैमिली लोर था। तो कुछ ऐसी अनुभूति हो गई कि मुझे कुछ लोगों के साथ संपर्क हो गया, तो उन्होंने जो मुझे बताया तो मैं आपको इसी बेस पे कि उन्होंने जो मुझे कहा तो वो क्या रहा। तो अभिनव गुप्त जब कहते हैं कि भैरव गुफा में अंदर चले गए, तो उससे पहले कहते हैं कि अभिनव गुप्त को 1200 जैसे जो शैव शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं उनके बारे में ये उल्लेख किया जाता है कि 1200 उनके शिष्य उनके साथ गए थे। मगर कश्मीर जो परंपरा है, जो विश्वास की परंपरा है, जो हमारी जनश्रुति है, और उसमें हम कहते हैं 1200 नहीं थे, 12000 शिष्य थे, क्योंकि जो वैभव आचार्य अभिनव गुप्त का था उस समय था पूरे कश्मीर बंदर शैव दर्शन के प्रकांड वो थे, शैवाचार्य थे, तो 1200 हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं जो जनश्रुति है वो ये सही भी लगता है कि 12000 जो उसके शिष्य थे वो जमा हो गए थे आचार्य अभिनव गुप्त को उनको विदा करने के लिए। आचार्य अभिनव गुप्त को विदा करने के लिए वो सम्मिलित हो गए थे भैरव गुफा जो जहां पर जो इस वक्त अभिनव गुफा जिसको भी बोलते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान था, वो एक बहुत जमीन का टुकड़ा था, उसको अब उसको उस वक्त तक जो है वहां पर कोई पानी का कोई स्रोत नहीं था। ये कहते हैं कि 12000 अभिनव गुप्त ने उस ग्राम में उस जो उस सतल पर उसने गुफा में जाने से पहले समय व्यतीत किया है, पूजा अर्चना की है वहां पर। तो उस स्थान पर जो वहां पर था वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो 12000 जो वहां पर उसके शिष्य जमा हो गए थे जहां पर सम्मिलित हो गए थे उनको विदा करने के लिए गुफा में जान, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक किया था कि मुझे अब इस गुफा में जाना है, मैं शिव विलय की तरफ जा रहा हूँ या भैरव अवस्थी में जा रहा हूँ, तो अपने शिष्यों को, तो सारे 12000 लोग उधर शिष्य आ गए थे वहां पर उसमें सम्मिलित हो गए। तो वहां एक जनश्रुति है जो प्रचलित है, ये मौखिक रूप से है, ये अभी तक लिखित रूप में नहीं है, इसको मैंने लिखा हुआ है जब मैंने इसको सार्वजनिक किया। तो उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने शिशु ने उनको कहा कि हमारे पास जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे वहां पर एक छोटा सा नाला बहता था, मगर उसमें पानी जो था मटिया का आता था। तो उन्होंने कहा हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, तो पूजा विधि है, तो उसमें इस पानी का प्रयोग नहीं हो सकता। तो उन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त से कहा कि ये बता दिया, ये शंका उन्होंने प्रस्तुत की कि कहां कि यहां पर साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आचार्य अभिनव गुप्त जो जनश्रुति है, जो लोक विश्वास है हमारे यहां पर, वो कहते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त उस वक्त डंडा जो आचार्य होते थे वो डंडा रखने की प्रथा थी कि हाथ में डंडा लेके रहते थे। तो कहते थे आचार्य अभिनव गुप्त की जो हाथ में डंडा लेके थे, तो उन्होंने वहां पर उस जमीन पर जहां पर शिष्य ठहरे हुए थे वहां पर उन्होंने एक पत्थर को हिला दिया उस अपने डंडे से। वो कहते हैं कि अकस्मात कुछ ऐसा हो गया, चमत्कार हो गया, जहां से पत्थर हट गया तो वहां से एक साफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। तो ये कहते हैं कि जब ताकि वो उसके जो शिष्य प्रिय शिष्य थे वो अपने दैनिक कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए, और अपने जो शरीर का जो उनके जो वो करते हैं पूजा पाठ करते हैं कि उसके लिए उसको प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इस नाम को, तो इसके उपलक्ष में जब वहां पर पान के चमत्कार उन्होंने देखा उसके शिशु ने, तो उन्होंने उस जगह पर जहां पर के वो ठहरे हुए थे, जहां पर के वो अवस्थे थे, उन्होंने उस जगह का नाम, उस वक्त उस जगह का कोई नाम नहीं था, वो खाली जमीन थी, उन्होंने उसको सवर्ण पथ रखा है,
एक ये भी जन चुके सावरण पथ जब इसको हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो दो शब्दों का इसका मिलन मिश्रण है। ये एक सावरण तो सोना हो गया, तो पथ हो गया, रास्ता हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सावरण पथ है, मगर इसका आजकल उच्चारण में बदलाव आ गया है। आजकल वहां पर एक पूरा गांव बसा हुआ है, मगर उस गांव का जो उच्चारण आजकल जो होता है उसको हम बोलते हैं स्वर्णपाह बोलते हैं, मगर स्वर्णपाह जो है वो है कि उच्चारण में बदलाव के कारण है। असली जो नाम जो है वो है सावरण पथ है। तो वहां से जाने के बाद एक और जनश्रुति जो वहां पर है अभिनवगुप्त के साथ संबंधित है, ये भी मौखिक है, अभी लिखित रूप में नहीं थी। तो ये जो है कि आचार्य अभिनवगुप्त ने भैरव गुफा में जाने से पहले तो वहां पर जो गुफा के इर्द गिर्द जितने भी तीर्थ स्थल थे वहां उन्होंने यात्रा की थी, तीर्थ यात्रा की थी। उसमें से तीर्थ यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी वो उन्होंने सावरण पथ के वाले जो इलाका था जो अब स्वर्ण पथ है वहां से शुरू की थी, और वहां से चलकर वो गए थे। उन्होंने सबसे पहले जो वहां का पुष्कर खाग इलाका है, खाग तहसील है, वहां पर एक पुष्कर का तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर नाग है। तो वहां पर कहते हैं कि वो वहां गए, पूजा अर्चना की और वहां पर स्नान किया था, और उसके बाद वो दूसरे इलाके में गए, उसको नारा नाग, वहां पर नारायण का नाग है, नारायण को समर्पित एक नाग है, वो भी पावन, उस जमाने में बहुत ही पावन स्थल था, तीर्थ स्थल था, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चन की। यहां पर जो है ये संग्रामपुरा इलाका आता है, यहां पर ये जो भीरू गुफा है ये सारे इस विशाल एरिया को बोलते हैं, उसको संग्रामपुरा का इलाका बोलते हैं, और ये जो भीरू है ये उसी में आता है। तो वहां कहते हैं कि जो आजकल के थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा सर, समय के ध्यान में रखते हुए। वहां से फिर उन्होंने कहा कि वो कहते हैं जनश्रुति के अनुसार वहां से उन्हें सुखनाग एक और पवित्र नाग था, उन दिनों हुआ था, तो अब तो परिस्थिति बदल गई है, तो वहां पर भी उन्होंने स्नान किया, और लास्ट में आखिर में उन्होंने सीता भगवान राम से संबंधित एक नाग है, एक तीर्थ स्थल है, जिसको आजकल जो है भाषा उच्चारण की दृष्टि से उसमें बदलाव आ गया, उसको वो होते हैं भगवान राम की सीताहरण के नाम से जाते हैं, सुताहरण। आजकल बदलाव उच्चारण के बदलाव के कारण से उस इलाके को बोलते हैं सुताहरण, मगर असली नाम जो है, जो असली नाम है वो सीताहरण है। वो कहते हैं कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वहां पर अपने वनवास के द्वारा वहां निवास किया था, और सीता माता उधर रहती थी। तो कहते हैं कि अभिनवगुप्त वहां भी गए थे, सीताहरण भी गए थे, वहां भी पूजा अर्चना की, वहां भी स्नान किया उन्होंने, उसके बाद कहते हैं वो वापस आ गए, सीताहरण से वो वापस आ गए हैं, जो सावरण पथ जो उसके शिशु ने उस इलाके को नाम दिया था वहां पर आ गए, और उसके बाद वो भैरव सुति जो 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 स्तुति है भैरव स्तुति की, उसका गुणगान करते हुए अपने जो उसके शिष्य हैं 12,000 जो शिष्य थे वो गुफा में गुफा तक उनको अलविदा उनको किया, और वहां से वो भैरव गुफा में वो उन्होंने प्रवेश किया और उनका शिव विलय हो गया। तो मैं विराम दे दूं फिर अपने। हाँ जी, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है, आज कार्यक्रम बहुत सारे हैं, तो ठीक है, हमें जानकारियां दी हैं, और मुझे लगता है कि इन जनश्रुतियों का एक इतिहास लिखा जाना चाहिए, और अगर ये काम मैंने लिखा है इसको मैंने लिखा है तो इसको मैं और काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास उपलब्ध जानकारी है कि आचार्य अभिनवगुप्त ने कहाँ कहाँ पर जो उन्होंने तीर्थ यात्रा की, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा जमा कर लिया है जनश्रुतियों को, तो उसको मैं रिशेप करके फिर से दोबारा उस पर काम करके वो मैं प्रस्तुत करके सार्वजनिक करूंगा। समय मैं चाहूंगा कि जब हम दूसरा सेमिनार करें, जो जैसा कि हमने पहले किया था हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट वन किया था, पार्ट टू का जब सेमिनार करेंगे हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप ये अपना पूरा वक्तव्य दें और पूरी जनश्रुतियों का इतिहास हमारे साथ उस वक्त साझा करें, क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदू कश्मीर का इतिहास लिखा जाना बहुत आवश्यक है, और ये जो जनश्रुतियां हैं ये उसको एक संबल देती हैं, एक तो उसका बहुत मजबूत पक्ष है हमारी आस्था का। मैं समझता हूँ कि ये हम जब हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर
इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें मैं जरूर चाहूंगा कि आपका ये वक्तव्य हम ज्यादा व्यापक दृष्टि से सुने। धन्यवाद, धन्यवाद आपका जरूर। मैं अभी के लिए बहुत बहुत आभार इन जानकारियों के लिए। अब हम कार्यक्रम के संक्षेप में एक लाइन में एक सेकंड ले लूंगा मैं आपसे। ये जो आचार्य अभिनव की जो जन्म दिवस है, ये राम क्षेत्र का आश्रम में बराबर लगातार हर वर्ष निर्जला एकादशी के दिन हम मनाते हैं और उनके चरण पादुकों की हम पूजा करते थे और पूजा करते थे। 150 साल से ये परंपरा चलती आ रही है उनके जो है पूजा जन्मदिवस का उत्सव मनाने का। ये राम क्षेत्र का आश्रम में कार्यक्रम ये चलता है। कई जानकारियां हैं जिनमें मेरी भी रुचि जागी है और मैं ये भी अपेक्षा कर ही रहा था कि कश्मीर शैव दर्शन की जैसी शब्दावली है उसमें मृत्यु शब्द का कोई अर्थ रहता नहीं है, शिवलय ही उचित बैठेगा। ये परंपरा है, ये हमारी साथ तो वैसे ही कल्चर डेवलप होगी। तो बिल्कुल ही आपने उचित बातें कही है और मैं चाहूंगा कि इसको हम जरूर दोबारा टेकअप करें। तो अंतिम प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी को, जो पूर्व कालिदास चेयर में प्रोफेसर रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और उनको आमंत्रित करने से पूर्व एक पक्ष और रखना चाह रहा था। पहले मैंने अभिनव गुप्त के बारे में एक सामान्य पक्ष रखा था कि हम अभिनव गुप्त को कर्ता भोक्ता और ज्ञाता की दृष्टि से देखें, लेकिन जब आप विद्वानों से बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनसे एक अपेक्षा और तरह की होती है कि आप ऐसे विशाल व्यक्तित्व को जिसका केंद्र चेतना है और उस चेतना का व्यापकता वो हमारे द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, तो हमारी बुद्धियां उतनी व्यापक नहीं होती, तो तीन दृष्टिकोणों से हम उसको पकड़ने की समझने का प्रयास करें। एक अभिनव गुप्ता है पार्थिव पक्ष। ये वो पार्थिव पक्ष है जिसके विषय में टिप्पणी की गई थी कि बहुत सारा जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों के आचार और व्यवहार को प्रभावित किया है, कश्मीर की संस्कृति को जिस तरह से प्रभावित किया है और आगे उन्होंने पूरी ज्ञान परंपरा को प्रभावित किया है, जीने के तरीके को प्रभावित किया है, वो पार्थिव उनका पक्ष है। तो एक दृष्टि से हम इनको भी पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा आप स्लाइड में देख रहे हैं शाश्वत पक्ष। तो अभिनव गुप्त का शाश्वत पक्ष ये है कि किस तरह से वैदिक काल से लेकर के वैदिक संस्कृति को लेकर के वो कश्मीर शैव संस्कृति के बीच में उसको समन्वित करते आ रहे हैं और उसको अग्रसर कर रहे हैं। वो कोई काल का रुका हुआ बिंदु नहीं है, वो कहीं रुक नहीं गए हैं, निरंतर अग्रसरता उसमें है। तो ये उनका दूसरा पक्ष हो सकता है जहां से हमें देखना होगा। और तीसरा जो पक्ष है जिसकी मुझे बहुत अपेक्षा है वो ये है कि उन्होंने कौन से ऐसे मूल्यों की सिद्धांतों की स्थापना की है जिसके आधार पर आज हम उनका जन्मदिवस उनका उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं और तत्पर हैं। तो इन तीन दृष्टिकोणों से अगर हम नहीं देखेंगे, किसी एक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो मानव बुद्धि इतनी विशाल नहीं होती कि वो सारे व्यक्तित्व को एक साथ देख सके। तो इन तीन दृष्टियों से पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो हमारे साथ अभिनव गुप्त के विभिन्न पक्षों से हमें परिचित कराएं अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में और उसके बाद प्रश्नोत्तर रहेगा। प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी। प्रिय बंधुवर विद्वान मित्रों, सभागार में हमारे अभी सभागार तो क्या है, अपने अपने आगार में विद्यमान आप सभी लोगों को इस बात के लिए बहुत वर्धापन याद। हम इस क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर उसको एक पुष्पोपहार, ये भावनाओं का पुष्पोपहार एक प्रकार से दे रहे हैं और एक दूसरे के लिए वर्धापन भी कर रहे हैं। तो
इस स्मरणांजलि में मैं समझता हूँ कि विभिन्न हमारे दूसरे विद्वान मित्रों ने आचार्य अभिनव गुप्त के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के कोणों को भी प्रकट किया, उनके योगदान को बहुत सराहनीय तरीके से अभिव्यक्त किया है कि आचार्य अभिनव गुप्त का ये संस्कृत को मैं सबसे पहले समझता हूँ कि सबसे पहले ये संस्कृत को जिसके अंदर उन्होंने अपना संपूर्ण अपनी चेतना को उंडेल दिया, किसी और भाषा में नहीं उंडेला, संस्कृत में ही अपनी समग्र चेतना को उंडेल दिया उस संस्कृत भारती के उस वरद पुत्र के लिए। हम सभी कृतज्ञ हैं। और दूसरी बात ये जो विभिन्न पक्ष हम देखते हैं वो विभिन्न पक्ष हमारे प्रायः कई तरीके से चलते हैं, भावना के वश से हम भावावेश में भी बहुत सारा चर्चा करते हैं और कुछ प्रज्ञा के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी, विवेचन के स्तर पर भी करते हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग सभी तरह से उसको जानना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्वों का ये एक ये महात्म्य होता है कि ये सब तरह के लोगों से, सभी ओर से, सबके साथ एक संवाद कर सकते हैं। काश्मीर शैव शास्त्र का जो एक बड़ा प्रमुख पक्ष रहा, जिसको हम ये सामरस्यवादी पक्ष कहते हैं, तो ये समन्वयवादी पक्ष कहते हैं। समन्वय का मतलब यही होता है कि हम सभी परस्पर ऊपर से विरोधी दिखाई देने वाली समस्त विचारधाराओं में एक सम्मुखी भाव ले आए, उनके अंदर एक सामरस्य ले आए, सौमनस्य उसके अंदर ले आए। ये देखें तो काश्मीर शैव शास्त्र का जो छठी सातवीं आठवीं शताब्दी से जो उन्मेष उसका जो खुलना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे जाकर के एक महावृक्ष के रूप में परिणत, ऐसे लगता है मुझे एक महावृक्ष के रूप में वो परिणत हो जाता है। और उसमें आचार्य अभिनव गुप्त की कृतियों की, उनकी प्रतिभा का महाफल जो है वो उसमें अभिव्यक्त होता है। और बाकी का जो है वो लोग जो है वो उसके आस्वादिता लोग ज्यादा हैं, और आस्वादन करने से भी एक नई और सृष्टि पैदा हो, एक और, क्योंकि फल के बाद फिर एक और अन्य फल की कामना भी होती है। जब वृक्ष को फल आ जाता है तो फल होने के बाद फिर उसके माध्यम से अन्य और कोई ऐसा ही फल फिर से आविर्भूत हो, इस ये एक संकल्प जो है वो मनुष्य चेतना में विद्यमान रहता है। अभिनव आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं, तो उसमें जो एक हमारा श्रद्धा का आवेश है वो हमें ये कहने को विवश करता है कि जैसे आचार्य पतंजलि जो थे वो शेषनाग का अवतार थे, ऐसे ही आचार्य अभिनव गुप्त को भी शेषावतार मानने वाले लोग हैं। अभिनव गुप्त को शेषावतार मानने वाले लोगों की संकल्पना ये है कि ये जो गुप्तपाद शब्द है वो गुप्तपाद जो है वो सर्प के लिए, नाग के लिए, नाग का वाची शब्द है। दूसरे लोगों ने, विद्वानों ने उसका गुप्तपाद शब्द का अर्थ किया कि वो गुप्तपाद जो है वो अपने प्रतिवादियों के लिए, प्रतिवादी भयंकर, वो प्रतिवादियों के लिए बड़े भयंकर थे, प्रतिवादी जो थे वो उनके सामने टिक नहीं पाते थे, उनकी विद्वत्ता के आगे कोई रुक नहीं पाते थे। इस दृष्टि से उनके साथ ये इस तरह का शब्द प्रयोग कर दिया गया है। तो वो सभी लोग अपनी अपनी भावना से एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टियों से लोग देखते हैं, लेकिन आज जो देखने का संदर्भ है उसमें मुझे एक
पद्य ध्यान में आ रहा है जो, उसमें वो ज्यादा मालूम लगता है मुझे कि अभिनव गुप्त के नामकरण को, सार्थकता को जो ठीक से व्यंजित करता है वो है अभिनव रूपा शक्ति। अभिनव रूपा शक्ति तद गुप्तो महेश्वरो देवः। अभिनव रूप जो है वो शक्ति है, क्योंकि शक्ति ही ये नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के रूप में शक्ति का ही हम स्मरण करते हैं। तो अभिनव रूपा शक्ति तद गुप्तो, उसी से गुप्त जो महेश्वर हैं, शिव हैं, तदुहै यामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। वो जो यामल रूप है, जहाँ शिव और शक्ति का यामल रूप बन गया है, इस यामल रूप अभिनव गुप्त के अंदर, क्योंकि अभिनव गुप्त जितने बड़े शैव प्रज्ञा के आचार्य हैं उतने ही बड़े वो शाक्त प्रज्ञा के भी वैसे ही आचार्य हैं, और उनका शिव और शक्ति का यद्यपि कश्मीर शैविज्म अद्वैत तो मानता है, लेकिन अद्वैत के अंदर भी वो एक यामल भाव की कल्पना कर लेता है। इसलिए तदुभय यामल रूपम अभिनव गुप्त को अगर देखना हो उसके व्यक्तित्व को, तो उसकी ये प्रज्ञा का जो औन्मुख्य है, शैवी प्रज्ञा, शाक्त प्रज्ञा, अशाक्त प्रज्ञा, शैवी प्रज्ञा, उनका पारस्पर्श, उनका जो परस्पर में एक संवाद है, उनका जो दृष्टियों का मिलना है, उसके अंदर जो कुछ भी रचनात्मकता प्राप्त हो रही है हम लोगों को, ऐसी ही प्रतिभा के आचार्य अभिनव गुप्त हैं। आधुनिक संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए इस दृष्टि से, मैं देखता हूँ कि उन्होंने आजीवन एक जिस तरह का जीवन रहा, अद्भुत प्रकार का विद्वत परंपरा थी, दादा और दादा सभी लोग जो थे, पिता वो भी व्याकरण शास्त्र के बहुत विद्वान थे, और ये स्वयं अभिनव गुप्त अपना लिखते हैं कि पिता ने उनको ये शब्द, गहन शब्द के अंदर उनको प्रवेश करा दिया। तो मने शब्द शास्त्र की, शब्द शास्त्र का जो भी पक्ष हो सकता था, शब्द ब्रह्म का जो भी स्वरूप हो सकता था, उसको उन्होंने इस प्रकार से साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल एक पूर्ण शक्ति है। वाक शक्ति जो है, भाषा जो है, वो एक जगत का, विश्व रूपता का, वो संपूर्ण विश्व रूप को अपने अंदर समेटे हुए है। इसलिए वो जब अपना ये विमर्शनी लिखते हैं तो वो सबसे पहले जो बात कहते हैं, पूर्ण व्याकरण अवगाहन सूची, मैंने पूर्ण व्याकरण में अवगाहन करके उससे पवित्रता को प्राप्त किया है। पूर्ण व्याकरण अवगाहन सूची। और दूसरा जो था वो पक्ष उसका था कि ये जो शब्द है, जो वाक है, इस वाक तत्व का जो उपास्य, वाक तत्व क्या ही, जो अभिव्यंजन अर्थ है, उसका अर्थ तत्व है वो, उसका जैसे अर्थाध्वा कह देते हैं शब्दाध्वा और अर्थाध्वा को, उसका भी उतना ही व्यापक रूप विश्व के अंदर है। तो वो दोनों को उसमें दो व्याप्तियों को जहाँ पर एकीकृत करके हमने देखना, ऐसी किसी दृष्टि की तलाश हमें इस समय है। ये समय असामान्य है मनुष्यता के लिए, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, ये दौर 21वीं शताब्दी को हम कहें, ये 21वीं शताब्दी, हम शताब्दियों में बांट के नहीं चलते थे, इस तरह से सोचने का हमारा अभ्यास नहीं रहा, क्योंकि हम लोग शाश्वत के अंदर विश्वास रखने वाली जाति के लोग रहे हैं, इसलिए वहाँ पर वो शताब्दियों में नहीं। लेकिन चलिए, शताब्दियों की भाषा में भी अगर बात करनी हो तो इस शताब्दी में एक सबसे अत्यंत जटिलता का जो जीवन है वो हमारे, उसके साथ हमारा एक, जैसे कहना चाहिए कि उसके साथ एक हमारा एनकाउंटर हो रहा है, और उस एनकाउंटर के संबंध में अगर देखें तो ऐसे लगता है
कि एक ऐसे दर्शन की अपेक्षा है, एक ऐसी दृष्टि की अपेक्षा है जो हमारे समस्त विरोधों का परिहार करके, जो हमारे समस्त ये विरोध कहां पर विद्यमान है, ये दर्शन शैव शास्त्र कहता है ये सारे के सारे विरोध उपस्थित कहां पर हैं, ये सारे के सारे विरोध उपस्थित हैं आपकी विकल्प वृत्तियों के अंदर, ये विकल्पों के अंदर हैं। एक प्रत्येक एक विकल्प जैसे ही उठता है साथ में ही उसके दूसरा विकल्प उठ जाता है और वो तत्क्षण ही उसकी जगह तीसरा विकल्प चौथा विकल्प, और इन विकल्पों के कारण मनुष्य मनुष्य को संशय की दृष्टि से देखता है। वो मनुष्य मनुष्य को शिव की दृष्टि से नहीं देख सकता है, वो उसको संशय की दृष्टि से देखता है। वो थोड़ा सा अगर उसमें प्रेम के भाव में किसी सद्भाव में आ भी जाए तो भी थोड़ी देर के लिए ही, कुछ देर के बाद ही जो वैकल्पिकता क्या उसका अभ्यास है, वो वैकल्पिकता जो है वो उसको आकर के उसको संसारित्व में ले आती है और संसारित्व में ला करके एक दूसरे के ऊपर संशय करने लगता है, चाहे वो छोटी लेवल पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, राष्ट्रों की राजनीति के स्तर पर हो, वो कहीं एक ऐसा दृष्टि का हमें दर्शन नहीं हो रहा है। वो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनने के बावजूद भी, वो यूनाइटेड नेशंस बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, जो भी बन जाए, लेकिन कहीं ऐसी दृष्टि का कि जहां पर ये निस्संशय और विपर्जय रहित दृष्टि का उन्मेष कहीं पर हो, जिसके कारण संपूर्ण मानवता, इस संपूर्ण पृथ्वी का जीवन जो है, ये संपूर्ण पार्थिव जीवन जो है, ये किसी प्रकार से एक सुख का, शांति का अनुभव कर सके। आप कल्पना कर सकते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त, जिनकी ये मैं समझता हूँ सबसे प्रौढ़ रचना है ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शनी, जब उसको समाप्त करते हैं तो समाप्त करते समय उनकी समाप्ता चयम ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शनी ये लिख करके आगे कहते हैं शुभमस्तु सर्व जगताम। ये ऐसी दृष्टि है, शुभमस्तु सर्व जगताम परहित निरता भवंतु भूतगण, सभी भूतगण सभी प्राणी परहित निरता, वो परहित में एक दूसरे के हित के विषय में चिंतन करने लगे। दोष प्रयान्तु शांतिम, दोष जो है वो शांति को प्राप्त करें। सर्वत्र सुखी भवंतु लोका, सभी लोग सभी जगह पर, सर्वत्र का अभिप्राय क्या है, वो चाहे इस देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे दूसरे अन्य देशों के अंदर है, सर्वत्र का अभिप्राय सार्वत्रिकता से ही लेना चाहे। सर्वत्र सुखी भवंतु लोका, ऐसी संकल्पना लेकर के ये ईश्वर प्रतिज्ञा विवृति विमर्शनी तो संस्कृत एक प्रौढ़ ग्रंथ है, कुछ एक सिलेक्टेड विद्वान ही इसको पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सभी लोग इसको नहीं समझेंगे, लेकिन वो सभी विद्वान ये सारी इस प्रतिज्ञा विवृति विमर्शनी को जो सारांश है वो लोक को प्रधान विद्वान लोग करते हैं, वो मीडिएटर का काम वो करते हैं। लोक और शास्त्र के बीच में जो स्थिति है वो उस विद्या के विद्वानों की स्थिति होती है। इसलिए आज के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन के चिंतन को हम लेकर के चले हैं जो चिंतन समस्त विरोधों का परिहार करने वाला है। उसका इतिहास जो है उसको हमें देखना, कि उसको हमें समझने के लिए अपेक्षित है कि हम उसकी परंपरा को भी देखें, उसका जो वास्तविक रूप है, जैसे उसका उसकी जन्म कुंडली का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसका एप्लीकेशन किस तरह से हो, वो किस प्रकार से लागू हो कि जिसके अंदर ये समस्त विरोधों का लोगों के अंदर परिहार करने के लिए ये कई बार मैं इस बात को दोहराता हूँ कई बार कि कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर एक जो मौलिक दृष्टियां हैं उनको एक बड़ा एक
जिसे कहना चाहिए कि सब्सटेंशियल फॉर्म के अंदर, एक सुदृढ़ रूप के अंदर कुछ बना करके हाथ में दे दिया है। बाकी के बहुत से दर्शन जो हैं वो दृष्टियां होती हैं, लेकिन वो उसमें क्रमशः वो साधना के नाम पर बहुधा वो एक जाकर के आगे जाकर के थोड़ा वेग हो जाती है। यहाँ पर स्थिति ये है कि ये आणवोपाय से लेकर के आणवोपाय में समस्त साधनाओं की प्रक्रियाओं का अगर उसमें चाहें हम देख सकते हैं कि आणवोपाय के अंदर प्रत्येक इंडिविजुअल के हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से केवल मात्र उसमें एक साथ में बात लगी रहनी चाहिए कि उसके ये स्वात्मा हंता, इसके लिए वो आणवोपाय जिस भी उपाय का शरण में जा रहा है वहाँ पर अपने बारे में जरूर थोड़ा सावधान रहे। आणवोपाय का बड़ा सरल जो सरल व्याख्या है मुझे ऐसी लगती है वो यही है कि प्रत्येक अणु जो है वो जो भी साधना करे, कैसी भी साधना करे, लेकिन वो अपने आप को देखने का एक अभ्यास जरूर डाले। वो अपने स्व को स्वात्म विमर्श है पुरुषार्थ। ये स्वात्म विमर्श जो है, अपने स्व का जो विमर्श है, इसलिए जहां पर स्व शब्द का प्रयोग कश्मीर शैविज्म में जितना हुआ, इतना स्व शब्द का प्रयोग अन्य किसी दर्शन पद्धति में मुझे दिखाई नहीं देता है। वो शब्द जो है, चाहे उसमें अभिनव गुप्त अपनी प्रथम कारिका के अंदर ही कहते हैं स्वेच्छा अवभाषिता आशीष लोक यात्रात्मने नमः, शिव का स्वरूप क्या बना रहे हैं, कैसा शिव है उसका, स्वेच्छा अवभाषित आशीष लोक यात्रात्मने नमः। स्वेच्छा से ही जिन्होंने ये अपने में से ही अभाषित किया है संपूर्ण लोक को, और वो संपूर्ण लोक उन्हीं के अंदर ही विद्यमान है अभेद भाव से। भिन्नता जो है वो अभिन्नता के अंदर ही व्यवस्थित है। भिन्नता जो है अभिन्नता का श्रृंगार है। अभिन्नता भिन्नता को जीवन दे रही है, तो भिन्नता जो है वो अभिन्नता के परस्पर विरोधी नहीं है, उनका एक समन्वय है। नानात्व का एकत्व में समन्वय है, नानात्व का एकत्व के साथ एक सामरस्य है, उस सामरस्य का नाम ही ईश्वराद्वय या शैवाद्वैत है। तो इस शैवाद्वैत की दृष्टि वो प्रैक्टिकली आज के मनुष्य को आणवोपाय में आप विज्ञान के माध्यम से चाहे लोगों को कुछ भी साधना, कहीं से भी कोई विज्ञान वर्क लेकर के भी कोई साधना प्रारंभ करके, लेकिन एक उसकी जो कंडीशन है कि हम अपने स्वविमर्श को अपनी शिवता के साथ ध्यान रहना चाहिए कि शिवता को जरा देखते रहना भाई, और शिवता के साथ जुड़ करके तुम जो भी करोगे वो साधना बनती चली जाएगी कहीं ना कहीं। उसमें अपने प्राण को, मन को, बॉडी को, जो भी है मन प्राण चित्त जो कुछ भी है उस सबको आप देखो, लेकिन उस देखने के साथ अपना स्व के प्रति ये प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमदा, अपने स्वाध्याय से प्रमाद नहीं होना चाहिए किसी तरह। इसलिए वहां से अगर तुम उत्कर्ष की ओर जाते हो, उत्कृष्टता की ओर थोड़ा सा साधना में अगर स्वविमर्श के माध्यम से तुम थोड़ा सा उठते हो, तो तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के साधनों की अपेक्षा है। उच्चार रहितम वस्तु, बिना बोले भी तुम ये स्वात्म विमर्श जो है, ये स्वात्म विमर्श जो है, ये तुम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में इसके साथ जुड़े रह सकते हो। और ये स्वात्म जैसी रियलिटी ऐसी है, इसको कौन व्यक्ति कहेगा कि मैं स्व को नहीं जानता हूं। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में इसको एक बड़ा मूल एक उसमें बीज के रूप में स्थापित कर दिया एक वाक्य के अंदर कि कोई भी व्यक्ति वो आत्म का, अपने स्व का प्रतिवाद नहीं कर सकता है, सभी लोग अपने स्व को जानते हैं। तो इसलिए स्व के लेकर के ये स्व के विमर्श को ही विस्तारित करते जा रहे हैं। स्वेच्छा अवभाषिता से श्लोक यात्रात्मने नमः, और आगे शिवाय स्वच्छ शिवाय शश्वदच्छन्न, शिव
जो शाश्वत हैं, शाश्वत हैं तुम्हारा ये स्वविमर्श जो है, ये जो तुम्हारी अहंता है, ये अहंता जो है ये तुम्हारा स्वविमर्श है, यही तुम्हारा असली रूप है। ये जो स्वविमर्श है यही मनुष्यता का वास्तविक रूप है। इसलिए इस स्वविमर्श के साथ ही उसे बाकी की सारी उस जीवन की सारी विद्याओं के साथ, सारे ज्ञानों के साथ, सारी वस्तुओं के साथ ये स्व के विमर्श के साथ चलोगे तो ये इसके अंदर एक निश्चित रूप से एक रचनात्मकता आएगी, एक उसके अंदर सौंदर्य आएगा, उसके अंदर शिवत्व आएगा, सौंदर्य आएगा, सत्यता आएगी उसके अंदर। इसलिए वर्तमान शताब्दी के अंदर मैं समझता हूँ ये दर्शन, ये दर्शन जिसका, ये दर्शन जो अपने आप में फलित हुआ है, फलित कब हुआ है जाकर के, ये दशवीं शताब्दी में अभिनव गुप्त के उदय के साथ ये फलित होता है। एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा अद्भुत जो सुकुमारमती लोगों के लिए भी कश्मीर शैविज्म को दे रहा है कि बोध पंचदशी का पढ़ लीजिए आप, अभी इसमें से थोड़ा एक श्लोक हाँ, ये ज्ञाना विभिन्नो नहीं कश्चित अर्थ है तत्त कृत संविधि नास्ति भेद स्वयं प्रकाशाक्षतमयिक धामनी गाह्य गृहीति प्रभु। ये कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु ज्ञान से भिन्न है ही नहीं है भाई। ज्ञानाद विभिन्नो नहीं कश्चित अर्थ, ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित जो वस्तुएं हैं वो दर्पण से भिन्न होती ही नहीं है, उनको इंडिविजुअली देख रहे हैं आप, ये हाथी है, घोड़ा है, ये है, वो है, सांप है, क्या है, अनेक उसके अंदर हैं, लेकिन दर्पण में वो सब के सब एक ही हैं। उनका उनका जो उस दर्पण के अंदर निश्चित जो स्पेस है, वो स्पेस जो है वो भी उनका डिस्टेंस स्पेस जो है, वो डिस्टेंसिंग भी उनकी कहीं एक दूसरे को बाधित नहीं करती दर्पण के अंदर। तत्त कृत संविधि नास्ति भेद, वो जो संवित है तुम्हारी स्वप्रकाश संवित जो है, वो जो तुम्हारा स्वात्म है, वो कहीं खिसकना नहीं चाहिए। क्योंकि विश्व के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान का ज्ञान से भिन्न उसकी सत्ता है, ज्ञान ही उसकी सत्ता है, चित्त ही उसकी सत्ता है। इसलिए चित्त स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, विश्व सिद्धि का हेतु वो स्वतंत्र चित्त शक्ति ही है। तो इसलिए ये एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य की चेतना को, गांधी डरते थे इस बात से, उन्होंने जो लिखा एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसके अंदर अपना भय प्रकट किया कि पश्चिम के अंदर जो दौर चल रहा है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मनुष्य को एक यांत्रिक रोबोट सा बना के रख देगी जिसकी संवेदनाएं और ये सारी की सारी जड़ी भूत ना हो जाए कहीं, इसमें तो मनुष्य ही मर जाएगा कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं कि मनुष्य स्वयं ही आत्महनन कर ले। श्रुति ने उसका संकेत किया जे के आत्महन हो जाना अंधंतम प्रविशंति, अंधकार में प्रवेश करते हैं जो आत्महन लोग होते हैं। आत्महन कौन है? जो अपने आप को समझने का प्रयास नहीं, अपने स्व के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, वही आत्महनता है। इसलिए इस दर्शन का एक ये है कि प्रत्येक मनुष्य अपने इस अखंड भाव को, मनुष्यता, ज्ञान, चेतना, ये सभी मनुष्य इसी के अंदर ही, इसी स्व के अंदर, इसी अहंता के अंदर जी रहे हैं। ये अहंता का ही विकसित रूप है सारे प्राणी मात्र, सभी मनुष्य लोग। इसलिए एक ऐसा दर्शन जो सभी विभिन्न दृष्टियों को, भिन्नता का विरोध जहाँ, जिसमें और कोई ऐसा दर्शन दुनिया में नजर आता नहीं है जो विभिन्नताओं को उसमें एकीकृत कर दे और व्यावहारिकता को भी स्वीकार कर ले। अद्वैत वेदांत के अंदर, ब्रह्माद्वैत के अंदर भी ये बात उसमें कही है, उसमें संक्षेप शारीरिककार कहते हैं यस्य कि नापि समं विरोधः समन्वितान्यन्यमतानि यस्मिन् अद्वैत वेदांत पथम प्रशस्तम ज्ञान प्रधानम विवृणोमि किंचित्। हमारा ज्ञान प्रधान ये अद्वैत शास्त्र है, ये भी सभी को अपने में समेटने का प्रयास करता है, लेकिन व्यावहारिकता के स्तर पर वहाँ थोड़ा सा समस्या आती है, क्योंकि अधिक तौर पर वहाँ पर
वो व्यावहारिकता के स्तर पर उसमें अस्वीकृति की बात जो है वो कहीं ना कहीं से लग जाती है। ये एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर ये ऑल, जिसे हम ऑल इंक्लूसिवनेस जो है, ये सभी, ये शिव है, इदंता भी शिव है और अहंता भी शिव है। अहंता से ही इदंता का आविष्कार हो रहा है। इदंता जो है ये अहंता का ही आविष्कार है और अहंता जो है इसी में मनुष्य अपनी शिवता को जब देखना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी आधुनिक संदर्भ में एक ऐसा व्यक्तित्व जो उसका, क्योंकि प्रत्येक बौद्धिकता का, प्रत्येक चेतना का, प्रत्येक एक जो विजन होता है, संपूर्ण मानवता का जो विजन है, उस संपूर्ण मानवता के विजन का कोई एक जो होता है, हम उसे पुरोधा बनाते हैं, उसे पुरोहित बनाते हैं, उसे अग्रसर करते हैं। तो आज के इस संदर्भ में मैं समझता हूँ आचार्य अभिनव गुप्त का दर्शन, आचार्य अभिनव गुप्त उसकी पुरोधा अपने दर्शन के साथ आधुनिक मानवता के लिए पुरोधा के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उस पुरोधा के माध्यम से ये दूर दूर तक अगर ये विश्व के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये बात अग्रसर अगर होती है, लोक यात्रात्मने नमः, क्योंकि लोक की यात्रा ये चलनी चाहिए। अगर ये लोक यात्रा नहीं चलती है तो फिर उसमें कोई कोई दर्शन का या किसी बात, ये जो बार बार कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी, एक छोटे से आपको मैं संकेत देना चाहता हूँ कि आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने बारे में कई बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं तीन चार ग्रंथों में दी हैं और उन सूचनाओं को प्राय जो तंत्रालोक का जो 37वां आनिक है, 37वें आनिक को पता नहीं कितनी गंभीरता से लोग पढ़ते हैं या नहीं है, लेकिन उसको अगर आप देखें तो बड़ी एक संवेदन, इतना बड़ा विद्वान, इतना भाषा शास्त्र और तर्क का सबका, इतनी पकड़ होते हुए सबके ऊपर, वो एक बच्चे की तरह उसका हृदय कैसे सत्य को स्वीकार करता है। वो वहां पर आप देखिए कि मैं जब छोटा था तो उस अवस्था में माता मेरी विमल कला, जिनका नाम था विमल कला, वो माता का देहांत हो गया, बहुत छोटी आयु में हो गया। और वो कहते हैं कि माता का ही बंधन सबसे बड़ा बंधन जो होता है, ये माता का ही बंधन ये सबसे बड़ा बंधन, और उसी से अन्य बंधन बाकी उसी की अपेक्षा से बनते हैं। तो ऐसा लगा मुझे कि वो माता का बंधन, माता के शरीर शांत हो जाने के बाद लगता है कि अभिनव गुप्त की संवेदना जो थी, उसने अपनी माँ को उस शिवाम्बा के अंदर, उस शारदाम्बा के अंदर उसमें परिणत कर दिया अपनी चेतना को। पिता छोड़ के चले गए, वैराग्य ले लिया, पिता ने भी विरक्त हो गए, तो वो सारी स्वयं अगृहस्थ होते हुए भी वो एक उसमें नरसिंह देहेस्मिन, नर सिंह गुप्त जो है उनको, उनके द्वारा प्रदत्त ये इस देह के अंदर रहते हुए मैं ये विमर्शनी जो है उनका स्मरण करते हैं, वो अपने उन गुरुओं का 20 गुरुओं के पास जाकर के विद्या ग्रहण करना और 43-44 ग्रंथों को जो इस समय अवेलेबल है, नष्ट कितने हो गए होंगे कुछ पता नहीं। तो एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आज के दिन उदय हुआ था। ये भारत भूमि के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि ये बधाई का क्षण है और आप सभी लोग ये आपने जो आयोजन किया है इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और जितनी व्यापक दृष्टि से और जितनी सूक्ष्म दृष्टि से आपने ये सारा विश्लेषण किया है उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का, उनकी चेतना का, वो हम सभी के लिए प्रेरणा
दायक भी है और हमारी सोच को उसने व्यापक भी किया है। वस्तुतः इन सारी सेमिनार्स का मकसद भी यही होता है, तात्पर्य यही होता है कि हमारी दृष्टि का विकास हो, हम जितना सोचते हैं उसे आगे और अधिक सोच पाए, ज्यादा सूक्ष्मता से और ज्यादा व्यापकता से सोच पाए, ऐसा आपके वक्तव्य से हमें हम लाभान्वित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं सूचना के साथ जो है उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए श्री सुनील रैना राजानक जी को आमंत्रित करूंगा। हम लोगों ने लिंक आपका डाल दिया है, आप लोग उस लिंक को चैट में भर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और कुछ मत भरिए। उसके अलावा ये मत डालिए कि भी मैंने सबमिट कर दिया, नहीं कर दिया, कर दिया है ये ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी आपका हमारे तक पहुंचा देगी, आपकी सारी सूचनाएं पहुंचा देगी, भरने की जरूरत नहीं है, केवल लिंक में जो फॉर्म है वो भरिए और आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। और सभी लोग भरिए और प्लीज किसी बाहर के व्यक्ति के साथ मत करिए, ये एक एकेडमिक्स के साथ बेईमानी होगी कि हम कई बार जो लिंक्स उठा करके लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं, इसलिए ऐसा हम ना करें और अपना फॉर्म भरें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो प्रश्नों को हम नहीं लेंगे क्योंकि अगला भी कार्यक्रम आरंभ होना है 12:30 बजे, तो उसको हम फिर कभी लेंगे और जल्दी ही अगला जो एक सेमिनार है कश्मीर की, चाहे हिस्ट्री के ऊपर लें, हिंदू हिस्ट्री के ऊपर लें या और जो भी होगा, वो समय के साथ आप तो हम सूचित करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए श्री सुनील रैना राजानक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि एडिटर हैं नाथ मैगजीन के जनरल के और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, कि उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना धन्यवाद ज्ञापन सभी श्रोताओं का और वक्ताओं का करें। श्री सुनील जी नमस्कार, और आप सबको जैसे पता है कि आज महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्तपाद जी के इस जयंती समारोह में आप सब ने इस अच्छे से कार्यक्रम को हम बना पाए। अष्टो जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा ये अनुरोध स्वीकार किया और कुछ कम समय में ही इस लिंक को उपलब्ध करा दिया, इस गोष्ठी के लिए आपने पहल की। मैं डॉक्टर वीना अग्रवाल जी, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी और आप प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही मैं डॉक्टर अंगिरस जी का, डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी का, जिनको मैं बड़े सालों से सुनता आया हूँ, उनका आज फिर वक्त में सुनने को मौका मिला, ये मैं बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और सोच रहा हूँ, अभी अभी उपराष्ट्रपति जी ने ट्वीट किया है तो मैं चाहूंगा कि ये एक दो लाइनें आपको सुनाऊं आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में। उन्होंने लिखा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में कश्मीर शैव दर्शन के प्रणेता आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। वह एक महान दार्शनिक और अनेक विषयों के ज्ञाता थे। साहित्य, संगीत, नाटक, तंत्र और योग के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी विद्वानों को प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति जी के इस ट्वीट से ये समझ सकते हैं हम कि भारत के पॉलिटिशियन, राजनेता और बहुत सारे लोग आज जाग जाएंगे। आचार्य अभिनव गुप्त को एकेडमिक से बाहर निकाल के जन जन तक का एक हमारा एक संकल्प है। आचार्य की कृपा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा, आप सब श्रोताओं का सहयोग रहेगा, तो हम इसको एक पूरे विश्व भर में एक अभिनव मूवमेंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद दूंगा और अपनी वाणी को विराम रोकने से पहले एक श्लोक में को याद आ जाता, क्योंकि आप सब आचार्यों ने, गुरु ने जो इतना अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया उसे मेरा मन भी भाव विभोर हुआ। तो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, आगाधि संशय अम्बोधि सम उतर तारिणीम वंदे विचित्र अर्थाम पदाम चित्राम तम गुरु भारती। आप सब गुरुओं की जो वाणी सुनी इससे मन विभोर हुआ, मन बहुत अच्छा हुआ और हमें लगता है कि इस मिशन में हम सब जुड़ेंगे और आचार्य अभिनव गुप्त को हम पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे और ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप में आपने सभी का आभार व्यक्त किया है और आभार हम आपका अभिव्यक्त करते हैं कि जिन्होंने ये उद्यम उठाया है अभिनव गुप्त को आज के युग में सभी लोगों के साथ जोड़ने का और लोगों को अभिनव गुप्त के साथ जोड़ने का, दोनों तरह से
उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि प्रत्येक राज्य में एक संस्था कोई ना कोई कश्मीर शैव दर्शन के नाम से आप स्थापित करें, आपको लोग मिलेंगे। कम से कम पंजाब हरियाणा की तरफ से तो हिमाचल की ओर से मैं कह सकता हूं कि वहां इंडिपेंडेंट एकेडमिक क्षेत्र से बाहर, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के चक्कर में पड़ेंगे तो वहां सफल नहीं हो पाएंगे। जो उनसे बाहर के लोग हैं और जेन्युइन लोग हैं, उनमें से आप उनको अपने साथ जोड़ें, एक एक करके जोड़ें, बाकी वो लोग आगे जोड़ लेंगे और हम इन्हीं कार्यक्रमों को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये मुझे थोड़ा सा पहले अनुमान होता अभिनव बुद्ध जयंती का, तो निश्चित रूप से हम इसको पूरा एक वीक चला देते, क्योंकि जितने उनके पक्ष हैं, जितने कश्मीर शैव दर्शन के पक्ष हैं, अभिनव गुप्त के पक्ष हैं, वो इतने से पर्याप्त नहीं है। इतनी हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अग्रसर होंगे। आप निश्चिंत रहें, हमारा सहयोग, हमारा जो भी संभव हमारे से होगा, हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी करना चाहे या अपने कोई बात कहना चाहता है तो कहे, और उसके बाद आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। अपना फॉर्म प्लीज, फिर मैं कह रहा हूँ, ध्यान से भरिएगा। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ईमेल गलत भरी है, उसकी वजह से वो वापस आ गई है, तो कृपया अपना फॉर्म बड़े ध्यान से भरिएगा। यदि कोई टिप्पणी करना चाहता है तो संक्षेप में, क्योंकि अभी 3-4 मिनट हमारे पास शेष हैं, तो अगर कोई कहना चाहता है अपनी बात तो जरूर कहें, नहीं तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। आप सभी का आभार। आशुतोष जी, आवाज जी, आशुतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ, सबको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। बढ़िया रहा सबको, आचार्य अपने सबको, उनको प्रणाम, अंगिरस आचार्य जी को, उपेंद्र जी को, और अपने ये जो मिश्रा जी थे। तो आपने एक अच्छा सुझाव दिया है कि हर क्षेत्र में एक थोड़ा सा एकेडमिक से बाहर होके, क्योंकि इसका एस्थेटिक वैल्यू है। तो मैं सुनील जी से भी, आपसे भी ये कहूँगा कि मतलब आपकी ओर से भी, आपको भी पूरा समर्थन हमारी ओर से रहेगा। तो ये जो रहे इसमें, मतलब हर महीने अगर कहीं ना कहीं एक एक प्रदेश उसमें थोड़ा सा पहल करे, तो हर एक प्रदेश से एक महीने में एक बार कुछ ना कुछ समारोह होता रहे, कोई वेबिनार या कुछ, तो थोड़ा सा उसमें कैटलाइज होता रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। कम से कम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। इतना तो मैं कर सकता हूँ, और आगे तो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं होगा। एक बार शुरू करेंगे तो हो जाएगा जी। हम कहना चाहते हैं ओडिशा को भी शामिल करें। जी मैम, जी जी, ठीक है। आप सभी लोग अपना ये, जी मैम, सादर प्रणाम। पहले तो प्रश्न रखा था कि भक्ति दर्शन का एक पहला है, तो मेरे ख्याल से आज वो प्रश्नोत्तर नहीं हो पाया, आगे नहीं क्योंकि समय का। हाँ, बल्कि मुझे उसके विषय में एक टिप्पणी करनी थी जी, कि वैष्णव भक्ति और शैव भक्ति में एक मूलभूत अंतर है, और वो अंतर है उल्लास का। वहाँ भक्ति में दैन्य आपको दिखाई देगा, यहाँ की भक्ति में दैन्य नहीं है, उल्लास है। ये एक अंतर जो है वो मुझे लगता है, बाकी तो विद्वान लोग इससे टिप्पणी कर सकते हैं, मैं तो योग्य नहीं हूँ इस विषय में, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि वैष्णव भक्ति में दीनता जी, जैसे गीता में चार प्रकार के भक्त हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं, तो कहीं न कहीं उनमें भी वो दर्शन का भाव अपने आप आ जाता है। शुरुआत दैन्य भाव से होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो दर्शन तक पहुंच जाते हैं। ये मेरा मानना है, या मेरा जो अपना विचार है। बिल्कुल ठीक है, चर्चा रहेगा, अच्छा रहेगा जी। हेलो जी, इसको ले लेंगे, टेकअप कर लेंगे भक्ति दर्शन। हाँ जी 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 जी, हेलो, भक्ति में यहाँ जी, कहें आप। हेलो, आवाज नहीं जा रही। हाँ जी, बात कहें आप, आवाज आ रही है। आशो, आवाज आ रही है, आवाज है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ये दैन्य और भक्ति, हाँ जी, आवाज आ रही है।
चलो फिर किसी से। आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी, सुन पा रहे हैं? और तो हाँ जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। नहीं आशु प्रश्न है मेरे से जी, आप इसका उत्तर दें, इससे अच्छा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो नहीं नहीं प्रश्न नहीं था, ये तो सिर्फ एक बात रखी है और इस भक्ति दर्शन के ऊपर जो है हम लोग एक चर्चा बाद में अवश्य रख लेंगे। क्या चीज? तो यही था, लेकिन मैं केवल इसलिए कह रहा था कि भक्ति में और शैव भक्ति और उसमें वैष्णव भक्ति में दीनता और उल्लास का एक अंतर ये है। देखो अंतर ये है कि शैव भक्ति ये बिना ज्ञान के भक्ति नहीं है। यहाँ शैव शास्त्र में ज्ञान और भक्ति का परस्पर बड़ा अनित संबंध है। वैष्णव में ज्ञान का हो ना हो, वो कहते हैं उष्णस दहति चांगारः, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही में केवलम, उसमें नाम लेने से, और वो कहते हैं कि अंगारा चाहे जानबूझ के रखो चाहे बिना रखो वो जलाएगा। लेकिन शैव शास्त्र कश्मीर शैविज्म में जो भक्ति है वो ज्ञान पूर्विका भक्ति, ज्ञानोन्मुखी है, और ज्ञान जो है वो भक्तोन्मुख है। ये ज्ञान बिना ज्ञान के भक्ति कुछ किसी काम में नहीं है, और भक्ति बिना ज्ञान की, ज्ञान के बिना भक्ति, भक्ति के बिना ज्ञान, ऐसा कश्मीर शैव शास्त्र में नहीं संभव है। इसलिए प्रतिभिज्ञा का दर्शन बनना पड़ा, प्रतिभिज्ञा को दर्शन का रूप मिला, और फिर दर्शन से फिर भक्ति का उदय हुआ उसके अंदर। तो उसके अंदर ये कौल मत के अंदर, दूसरे मतों में उसके अंदर जो शाक्तोपाय शांभवोपाय जितने भी उपाय, उसमें उपासना और भक्ति का महत्व आया। मैडम ने ये जो विषय सुझाया है इसके ऊपर निश्चित रूप से अगला सेमिनार हम रख लेंगे, जल्दी ही रखेंगे। तो आप सभी से हम निवेदन है कि प्लीज आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग क्लोज करनी है। जी जी मैडम, लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, अब अगर देर हो रही है तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बस एक छोटा सा इसके लिए बहुत छोटा सा संकेत में कहना चाहती थी कि इसे मैंने अपने शोध में, मतलब अपनी पुस्तक में से सहज प्रज्ञा के रूप में इसका उल्लेख किया हुआ है। और इसको जैसे पिकासो ने जो शिशु सुलभ अन्वेषण प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से इसे हर किसी के भीतर ये नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा हम सभी के भीतर होती है, लेकिन अभ्यास से इसका आभास पाया जा सकता है ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए एक सूरदास जी का एक उदाहरण दिया जाता है कि उनके अंदर ये सहज प्रज्ञा जो थी विद्यमान थी। कहते हैं कि जब एक बार जनश्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार उन्हें उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी का श्रृंगार नहीं किया गया, तो उस समय पुजारियों ने भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र भी नहीं पहनाया, सिर्फ श्रृंगार कर दिया था उनका। तो सूरदास जी ने एक पद गाया था, क्योंकि वो जन्मांध थे तो कहा जाता है कि देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजन, हीन छवि उठत तरंगा। तो ये जो सहज प्रज्ञा थी ये उन जन्मांध कवि में थी और हम सभी के भीतर है, और कहीं ना कहीं इस पर कोई धूल का आवरण जो है वो जमा होता है और उसे हम हटा नहीं पाते, और बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं कहीं ना कहीं उस आवरण में आबद्ध होकर रह जाती हैं। बस यही कहना चाहती थी मैं, जो मैंने समझा थोड़ा सा। बहुत अच्छी टिप्पणी है, तो इस शब्दों के साथ आप सभी का आभार, और मैं ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि तभी को मैं ये बाकी क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हेलो, थैंक यू। हेलो।